ओके okay, गाइस आ गया ना गया आ गया इधर इधर उधर मालिक okay. एक मिनट इधर भी प्लीज थोड़ा सा जितने बच्चे ऑनलाइन हैं हम आपको बताते मतलब एक्चुअली क्लास खाली है ऐसा कुछ नहीं है बस बच्चों का प्यार ज्यादा है थोड़ा

यस, ओके, अच्छा भाई साहब कल यहाँ पे और बेंचेस आ जाएंगे हमारे को नहीं पता था इतना प्यार मिलने वाला है ये पता था आपका प्यार बहुत है ये नहीं पता था इतना प्यार मिलने वाला है तो कल यहाँ पे बेंचेस और लग जाएंगे डोंट वरी जो आज इधर आगे पीछे इधर जितने भी लोग चेयर पे बैठे हैं और जितने लोग भाई पॉसिबल है तो प्लीज बैग वगैरह नीचे रखो ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट आ <laughs> <hah> चलो इधर अवेलेबल है ना इधर और उधर बच्चे आ रहे हैं क्या वहाँ पे कोई है ना? गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में आपका एकत्वम एक अकाडमी में बहुत बहुत स्वागत है मैं सी विजय साढ़ा और बहुत खुशी होती है मुझे मेरे टीम के साथ खड़े रहते हुए टू यू आप सबसे पहले जानते हैं हमारे साथ अभिषेक जावरे सर सर। <प्लौस> <sir. प्लौस> आप में से बहुत लोगों को मुझे ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है सर टेक्स कॉस्टिंग एज वेल एज अकाउंट्स एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चीज जो अलग होती है एकतम के अंदर में वो ये होती है कि बच्चे सर के साथ में ट्रेडिंग करते हैं फाउंडेशन में भी कई लोगों ने चालू कर दिया होगा हाँ या हाँ <प्लौस्ति> तो फाउंडेशन में भी कई लोगों ने चालू कर दिया होगा स्पेशल फीचर ये है सर ने इस बार बोला है कि बैच का बच्चों का फीस रिकवर करके कर दूंगा जो ट्रेड करे <laughs> 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 नहीं तो <laughs> तो सर यहां पे अवेलेबल है सर प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन बॉस फर्स्ट थैंक यू फॉर वंडरफुल रिस्पॉन्स मतलब ऐसा कोई मैं ट्रेडिंग का प्रॉमिस नहीं दे सकता हूं लेकिन यह प्रॉमिस तो पक्का दे दूंगा कि बाय द एंड ऑफ द लास्ट डे दैट इज़ फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यूर नॉलेज लेवल हैव गॉन अप सब्सटेंशियली और जाते टाइम पे जितना आप जितना फंस रहे उतना ही आप रोगे बिकॉज ऑफ खुशी नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग मारेंगे नहीं डरना मत तो आप ये अगले साढ़े पांच महीने जो है बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाले हो यू डोंट इवन नो वट इज इन स्टोर फॉर यू धीरे धीरे आप शुरुआत करोगे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आपका सत्रह अठारह साल का उम्र है कुछ लोग माइनर है कुछ मेजर है यू हैव लॉट ऑफ बिजनेस टू अंडरस्टैंड एंड थोड़ा बहुत जो सिलेबस में इश्यू था इंस्टीट्यूटेड थोड़ा ठीक किया है मतलब तो, कंप्लीटली नहीं लेकिन कंपेरेटिव टर्म्स में तो अच्छा है आपको इन कंपेरिजन टू ओल्ड सिलेबस सो यू हैव ग्रेट थिंग्स टू लर्न हियर इन अहेड विद यू तो मिलेंगे दोपहर में मिलेंगे दोपहर में मैं ही हूँ सवा दो बजे से शाम के साढ़े सात बजे तक पागल करके रखूंगा मार्केट आर्स भी है अपने पास इंटरनेट भी है सब कुछ है बहुत सारी चीजें सीखनी है आई जस्ट नीड प्रॉपर फूड लेना और दिमाग साथ में रखना थैंक यू यस दूसरा मेरे साथ आपको बताने की जरूरत नहीं है हमारे साथ में यहाँ पे अवेलेबल है दी लॉजिशियन ओ तो, आई मीन I mean, <laughs> दी लॉजिशियन बोलने का जरूरत ही नहीं है सर ऑलरेडी टीचिंग इन टू फाइनल्स ऑलरेडी टीचिंग इन टू इंटर एंड एक बात की गारंटी की मजा भरपूर आने वाला है आज आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा कि फाउंडेशन का लॉ और इंटर के, के लॉ में बहुत बड़ा डिफरेंस है यस yes, तो सर मेरा बोलना तो हो गया है ऑलरेडी मेरे को जो बजाना था बजा दिया मैंने ठीक है आई वे यू कैन कैरी ऑन आई विल ओवर पास टू द यशवंत सर जीएसटी के लिए है ठीक है वेरी एम एन एंड फैकल्टीज ऑफ द इंडिया फर्स्ट टाइम हम पुणे में इंट्रोड्यूस करें सो एज यू ऑलरेडी नो कि भाई आउट ऑफ 50 24 रैंकर्स फाइनल के सर के हैं ऑलरेडी मैंने लॉ में स्टार्टिंग में ये बोला था सो so, जितने लोग डी में आए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवन राउंड ऑफ अ मोर देन सेवन हंड्रेड आई डी टी एक्शन सो दैट्स अ वेरी बिग डील और मैं आपको एक चीज का वादा करता हूँ जो इस लेक्चर में मजा आएगा वो सारे में मजा आएगा यहाँ तो माहौल भी बनने वाला है थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू अभिषेक सर ऋषभ सर दर्शन सर एंड विजू भैया एंड एज में इनसे चार साल छोटा थैंक यू ऑल गाइज एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन आपने सी ए फाउंडेशन क्लियर कर दिया तो आप आपको लग रहा होगा बस सी ए बनने वाला ही है डेफिनेटली आप यहाँ हो तो सी ए बनने वाला ही हो सी इंटरमीडिएट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कॉन्सेप्ट

कई बार देता हूं मैं जैसे पता है आप जीएसटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं मान लो कि जीएसटी में अगर आप टैक्स पे करने में लेट हो गए मंथली टैक्स पे करना पड़ता है मंथली यू ऑल विल हैव टू पे द जीएसटी जो सप्लायर्स होते हैं जैसे एकतुम क्लासेस है इन्होंने करोड़ों रुपए का टैक्स आपको पता है ना चोरी नहीं किया है एंड सर <laughs> चोरी नहीं किया है ऐसा बता रहा हूं आपको सर अरबों में बातें जाती है सर, पॉइंट ये है सर कि एकतम क्लासेस मान लो आपसे जीएसटी कलेक्ट किया सर हमने एंड इसको मंथली टैक्स पे करना पड़ता है एंड मंथली जो टैक्स पे करेंगे उसमें अगर हम लेट हो गए यू नो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 परसेंट सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से एक दिन भी लेट हुए जैसे ट्वेंटी नेक्स्ट मंथ इज ड्यू डेट इक्कीस तारीख को पे किया ना सर तो एक दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्लियर और यही मान लो आपने कभी कोई टैक्स एक्स्ट्रा पे किया कोई केस चल रहा था आप केस जीत गए सर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया जीएसटी में आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया रिफंड सेंक्शन हो गया और गवर्नमेंट ने अगर आपको रिफंड लेट दिया तो पता है वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर एनम हमारे लिए एटीन उनके लिए 18. और वो भी बताए कब अगर सिक्सटी डेज में उन्होंने आपको रिफंड नहीं दिया तो फ्रॉम सिक्सटी फर्स्ट डे देव टू पे द इंटरेस्ट वो भी कितना बेटा और हमसे और वो भी कब से वेरी नेक्स्ट डे हो रहा गलत बड़े ही नाइंसाफी है लूट लिया हमको यस या नो तो क्या करना चाहिए सर या तो उनके लिए भी कितना कर दे 18 परसेंट कर दे या हमारे लिए भी कितना कर दे अब सोचो अगर हमारे लिए 6 परसेंट कर दिया तो क्या होगा आज अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाएंगे कोई बिजनेस एंटिटी बैंक से लोन लेगी सर जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 परसेंट फिफ्टीन परसेंट एटीन परसेंट अगर बैंक से हम लोन लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15, 20, 18, 12 इतना इंटरेस्ट लगता है और अगर गवर्नमेंट को तो टैक्स लेट पे करने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल अगर हमारे लिए सिक्स होता तो हम क्या करते हैं बैंक से लोन नहीं लेते क्या करते हम सर टैक्स लेट पे करते उतना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका हो गया स या नो तो अगर हमारे लिए सिक्स परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो क्या करते हम सर डेफिनेटली कई सारे लोग इस प्रोविजन का मिस यूज करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पे करके मजे करते सर इसलिए मार्केट कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा भाई एटीन क्या गलत किया क्या, क्या? आप सी इंटरमीडियट मांगे ना सर तो आवाज नहीं आ रही ऐसे इस जोश से पढ़ोगे आप आज फर्स्ट डे क्या सही हो रहा है क्या तो सर 18 परसेंट अगर किया है गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल सही प्रोविजन बनाया सर यस या नो तो सर ठीक है हमारे लिए 18 बिल्कुल सही तो उनके लिए भी कितना होना चाहिए भाई गवर्नमेंट अगर टैक्स का रिफंड देने में लेट हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगर उनके लिए भी एटिन कर दे तो साहब आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करते एफ डी कराते सर कहीं बैंक में सिक्स परसेंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवन परसेंट एट परसेंट मैक्सिम और वहां पे अगर एटीन परसेंट मिलता तो हम क्या करते हैं एडवांस साहब एडवांस में जीएसटी एस टी जमा कर रखते हैं अभी क्या होता है गवर्नमेंट से अगर हम केस जीत गए के, रिफंड लेने जाते है ना सर तो ऑफिसर के हाथ जोड़ने पड़ते साहब रिफंड प्रोसेस करा दो फीस देनी पड़ती है समझ रहे हो ना फीस का मतलब क्या होता है ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड सो <laughs> सो <laughs> <So, laughs> so, आप सोचिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एटीन परसेंट होता तो सिनेट चेंज हो जाता ऑफिस बोलते भाई साहब रिफंड ले लो हम क्या बोलते नहीं कीप इट विद यू अठारह परसेंट शेयर मार्केट गारंटी नहीं है सर है। <laughs> सर तो ने अभी तो नहीं है सर गारंटी तो कभी नहीं हो सकती है पर सर आप बताओ एफ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवन सिक्स गवर्नमेंट ने अगर रिफंड देने में लेट किया तो वट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ गलत है कि सही है सही है, है कि गलत, है? सही है।, सही है, गलत है? है हमारे लिए एटीन सही है कि गलत है पक्का दो मिनट पहले हमको क्या लग रहा था गलत अभी ये फर्क है अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस लेवल अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए अब मेरी गारंटी है इस कॉन्सेप्ट को आप लाइफ में भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे क्लियर तो सर सीए का इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत बड़ा है पर अगर आपने कॉन्सेप्टअली और विद प्रैक्टिकली चीजों को कनेक्ट करके है तो चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी आपके लिए चीजें अपने आप याद हो जाएगी एंड यू नो सर पढ़ाई से प्यार होने लग जाएगा धीरे धीरे ओके एंड वी ऑल विल मेक मेक यू श्योर कि हम सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक इसी तरह से प्रैक्टिकली करते हुए पढ़ाएंगे आपको एंड बोलते ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो सर आपके जब एग्जाम्स की हम तैयारी भी शुरू कर रहे हैं वहां से लेके जब तक तो आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तो तो तक आपके साथ रहेंगे ऑल दी बेस्ट गाइज सर sure so <laughs> oh, oh, मतलब आपको फैक्ट पता है क्या अपन दोनों को तो देख ही नहीं रहे सो प्रेजेंटिंग बिफोर यू मतलब बोलने की जरूरत नहीं है सर विल बी टेकिंग ऑडिटिंग आपके न्यू सिलेबस के अंदर में एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ठीक है हेलो हेलो Hello, hello. good morning everyone. Good morning, sir. I know you guys are doing really good and I'm uh, yeah. super excited at least. Yeah. Do you feel different? Yeah. I hope so, right? Yeah. Now, a lot of people will say that it, this journey is going to be nice. It is going to be nice. One simple thing before you start with income tax today. When you get that final result of CA final exam, that you become a chartered accountant. I know you have a long journey to cover for that. But a lot of people will say that you became a chartered accountant today. I always believe you don't become a chartered accountant on that day. You actually become a chartered accountant on a daily basis. What you learn on a daily basis in the classroom, what you practice on a daily basis in your office, what you you know carry as a positive attitude for yourself because this is not a journey of two subjects or five subjects this is not a journey of two months or five months you will have to stick to the course for years and i hope it's very less number of years and i'm being very positive about it so थिंक अबाउट इट तुम्हारा यह पूरा जर्नी तुम किस तरीके से एंजॉय करता है कैसे हर दिन नया चीज सीखता है वो ही तुमको असली चार्ट अकाउंटेंट बनाएगा रिमेंबर ऑन द लास्ट डे यू गेट ए रिजर्व दर्ल्ड विल सी यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट इन ट्रू सेंस आपने आज से लेकर के या क्लास फाउंडेशन के फर्स्ट लेक्चर से लेकर के आखिरी दिन तक क्या क्या चीजें सीखी है वो आपको ट्रूली एक डिफरेंट पर्सन बनाता है तीन चीजों का ध्यान रखना हर चीज नया चीज सीख के जाइए हर दिन जो सीख रहे हैं उसे थोड़ा प्रैक्टिस में लाने के बारे में सोचिएगा ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड नंबर थ्री एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आज आपको इंपॉर्टेंस कम पता चलेगा मेंटल हेल्थ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज वेन स्लोली स्लोली इन नंबर ऑफ लेक्चर्स वैसे विजय सर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते हैं आपको बता रहा हूं मैं ये आपको पता चल जाएगा तो कभी कभी आपको ऐसा थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा कि हाउ विल आई सर्वाइव विद दिस सिलेबस राइट सर ऐसा होगा ना नहीं ऐसा मैं उनसे बोल के ले लो कैमरा पे बोल के रखना मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लूंगा मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लूंगा <laughs> <laughs> ले हाँ नहीं नहीं मैं बोला इन्होंने समझ रहे मेरा बात सो दैट इज गोइंग टू हैपन आपको वो एक अच्छा एटीट्यूड खुद के लिए मेंटेन करना बहुत जरूरी है ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी ऑफ योर लाइफ यू विल मेक लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स And I'm sure these friends will also become colleagues in future, maybe your clients, maybe you will become their consultants. It's going to be a different world altogether. Trust me, this is way different from what you experience in foundation. So please try to become a little bit more matured, and I'm sure you'll have a great time. I'll see you all on 1st December in group two. Thank you guys. Have a great journey. Bye-bye. See ya. चैप्टर लिस्ट जब बनाओगे आज विद द सेक्शन रेंज एक एक लाइन छोड़ के बनाना ठीक है डेढ़ पेज का बनना चाहिए कल उसमें कुछ लिखना है ठीक है दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग नहीं तुम एक के नीचे एक एक के नीचे पेल के लाला हुई डोंट डू दैट ठीक है यस थैंक यू सो मच चलो मालिक चालू करते हैं uh, होगा मुझे अरे है ना आ, सबसे पहली बात Uh, मैं एक चीज़ चाहता हूं हम सब एक uh, बात करें हम सब सबसे पहले दिन हमारे जो पेरेंट्स हैं इनको थैंक यू बोले सो थैंक यू मॉम एंड डैड मैं ऐसा इसलिए करवाता हूं और मैं हर बैच में करवाता हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि वन हु इज़ द क्रिएटर इज़ द गॉड मैंने भगवान को नहीं देखा बट हमारे क्रिएटर हमारे मम्मी पापा ही है तो हमारे लिए तो शिव और पार्वती का रूप भगवान ही हुए सही है कि नहीं है सो so, सबसे पहले थैंक यू पेरेंट्स एंड दूसरा हम एक बार विदाउट एनी कल्चरल डिफरेंस क्या हम अपने भविष्य के लिए सरस्वती माता को याद कर सकते हैं हाँ या ना यस yes, तो सरस्वती माता की जय हम सब बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हैं आप सबका पहला सिलेबस है और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे भारत भर का और स्पेशली पुणे के बच्चों का इतना प्यार देने के लिए यस yes, एंड uh, जो बच्चे आज चेयर वगैरह पे बैठे हैं डोंट वरी हमको नहीं पता था कि इतना प्यार मिल जाएगा अचानक से आई कैन सी एवरीवेयर देर आर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बेंच और पीछे एक और टीवी लग जाएगा मालिक उसका टेंशन मतलब हाँ अब एक सवाल जो आपके मन में आया है कि यार मैं इतने सारे लोगों में पढ़ पाऊँगा क्या तो मैं आपको बता दूँ एक अकेडमी फ्रॉम द लास्ट फोर बैचेस सिर्फ पुणे की नहीं इंडिया की सबसे बड़ी अकेडमी है वेन इट कम्स टू फेस टू फेस एंड उसके बावजूद भी देर इज एन कंसिस्टेंट रिजल्ट आप सिर्फ एक फैट ऑब्जेक्ट पे तरह ध्यान दो <laughs> बाकी मैं सब कर लूंगा क्योंकि आपको जिस हक़ से आपके दोस्त ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है कि तू यहां पे बैठ जा मैं वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखूंगा और पहले दिन मेरा वादा कि दिन का आपसे सबसे बेस्ट लेक्चर डायरेक्ट टैक्स होगा ये मेरा गारंटी आपका ठीक है ये आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर होगा वो कैसे होगा वो छोड़ दो वो तो सब मेरे ऊपर छोड़ दो बाकी मैं सब कर लूंगा चलिए पूरे भारत भर को प्रणाम सर एंड लेट अस स्टार्ट आज हम लोग यहां पे हैं सीए इंटर सीएमए इंटर फॉर द पर्पस ऑफ मई 24 ऑब्लिक जून 24 नवंबर 24 ऑब्लिक दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए यस yes? मलिक अगर देखा जाए तो ये जो पेपर है ये है पेपर नंबर 3 आपके नए ग्रुप चालू हो चुके हैं दिस विल बी द पेपर नंबर थ्री द लास्ट पेपर ऑफ योर फर्स्ट ग्रुप यस ग्रुप वन का लास्ट पेपर है ये पेपर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ये पेपर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है डी टी यस जो पहले 60 मार्क का था पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज समझ लो जो बच्चों ने नवंबर 23 दिया है एंड अगर ये लेक्चर देख रहे हैं मे 24 के लिए ऑनलाइन भी देख रहे हैं आपका एक डाउट मैं पहले ही क्लियर कर दूं क्या क्लास वापस करनी पड़ेगी द आंसर इज यस उसका रीजन जो नवंबर ट्वेंटी थ्री वाले और मे ट्वेंटी फोर में चेंज हो चुका है। आपको 22 था, 23 है। दूसरा टैक्स में इस बार बड़े चेंज आए हैं दो तरीके के टैक्सेस थे आज से दो तीन दिन बाद आप समझोगे सिर्फ पहले दिन समझा रहा हूं एक था नॉर्मल टैक्स और एक था ऑल्टरनेटिव टैक्स बराबर है निर्मला दीदी को ऐसा लगा कि वाई शुड बॉयज फन निर्मला दीदी ने इसको ऐसे चेंज करके रख दिया मतलब जो पहले अल्टरनेटिव था अब वो मैंडेटरी बन गया और जो मैंडेटरी था वो अल्टरनेटिव बन गया जिस कारण से टैक्स कैलकुलेशन बहुत चेंज हो गए एंड इट हैज गॉन अ वेरी बिग चेंज सो डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स से 50 मार्क कर दिया न्यू सिलेबस में बट आपको बेस्ट पार्ट पता है तो बहुत बड़े चेंजेस किए बताओ कौन से, से। पूछो ना कौन से सर आपका जो मॉड्यूल है उसे पिंक से पर्पल कर दिया गया सॉरी लड़कियों के लिए लेवेंडर ठीक <laughs> है ये बहुत बड़ा चेंज था आई I मीन mean, हाँ ये बहुत बड़ा चेंज था पिंक से लेवेंडर कर देना ये बहुत बड़ा चेंज था और दूसरा जो बड़ा चेंज किया ना मालिक दूसरा जो बड़ा चेंज किया सिक्सटी मार्क्स से डी टी फिफ्टी मार्क कर दिया बट द बेस्ट पार्ट तुमको पता है चैप्टर चेंज ही नहीं किए मतलब पहले जितने थे उतने ही हैं और कम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं कितना बड़ा चेंज है ना तो आइए दिस विल बी पेपर थ्री ऑफ ग्रुप वन राइट डायरेक्ट एक्सेस विल बी ऑफ फिफ्टी मार्क्स एंड इनडायरेक्ट एक्सेस विल बी ऑफ फिफ्टी मार्क्स ठीक है पहले ये समझ लो टोटल पेपर कितने मार्क्स का है मालिक हंड्रेड इस हंड्रेड में से थर्टी परसेंट विल बी एमसीक्यू एंड सेवेंटी परसेंट विल बी डिस्क्रिप्टिव अगर मैं और कट शॉर्ट करूं डीटी के 50 मार्क्स से 15 मार्क्स जो रहेंगे 50 में से 15 मार्क्स जो रहेंगे वो क्या आने वाला है एमसीक्यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट यस और ऐसा क्या सर सिर्फ एक सब्जेक्ट में है नामन ना ऐसा ना, सब सब्जेक्ट के अंदर में है थर्टी परसेंट विल बी स्ट्रेट एमसीक्यू। ये उन्होंने फिक्स कर दिया है तो चलो एक बार बता दो पेपर नंबर क्या है मालिक थ्री

पर फाइनेंस एक्ट में बदलाव हुआ है दूसरा आईडीटी आईडीटी विल बी फॉर फिफ्टी मार्क्स टोटल हंड्रेड मार्क्स का होता है हंड्रेड मार्क्स में से मालिक थर्टी परसेंट विल बी एमसीक्यू अच्छा अब आपके मन में सवाल उठेगा सर ये वही एमसीक्यू होंगे जैसे हम फाउंडेशन में करते थे मस्त क्वेश्चन आया आंसर पहले से रटा होता था नहीं एक भी वैसा नहीं मिलेगा दिस विल बी असड बेस्ड एमसीक्यू विच इज अप्लीकेशन ऑफ माइंड ये केस बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे और ये केस बेस्ड एमसीक्यू में एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा ये सुनो तो चलिए आइए सबसे पहले रजिस्टर लाया है मालिक आप लोगों ने यस yes, रजिस्टर ओपन करो सबसे पहले श्री लिखो जिस भगवान को मानते हो वो लिख दो अच्छी शुरुआत करने जा रहे हो ठीक है गिव द हेडिंग बेसिक ऑफ इनकम टैक्स गिव द हेडिंग बेसिक ऑफ इनकम टैक्स श्री या जो भी कुछ आप लिखने जा रहे हो सबसे पहले लिखो पेपर नंबर थ्री ग्रुप वन कितने पार्ट में डिवाइडेड है मालिक दो पूछना चाहिए सर क्या डीटी और आईडीटी एक ही पेपर में लिखना है क्या सर नहीं आपको डीटी और आईडीटी के दो अलग अलग आंसर शीट मिलेंगे पहले ही दिन इसको क्लियर कर लो मालिक डीटी और आईडीटी के दो अलग अलग आंसर शीट मिलेंगे डीटी को डीटी में सॉल्व करना है आईडीटी को आईडीटी में सॉल्व करना है क्योंकि दोनों का पेपर चेकिंग अलग अलग होता है सर अगर मैंने डीटी का आईडीटी में डाल दिया और आईडीटी का डीटी में डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या देखो गलत जगह अगर इंसर्ट हो गया आपका आंसर शीट तो आपको मार्क्स मिलने नहीं वाले आपको मार्क्स मिलने नहीं वाले तो यू हैव टू पुट इट इन द राइट डायरेक्शन सो डीटी को डीटी में आईडीटी को आईडीटी में नहीं तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है ये याद रखना ठीक है मालिक बढ़ू आगे बढ़ू आगे चलिए अब मैं फोकस करता हूँ डीटी पे आईडीटी का आपको का आपको सर बताई देंगे बढ़ता हूं आगे। अब आप पूछेंगे सर, पचास के लिए में कितने भाई पता तो चले जाना कितना दूर है मॉड्यूल कहता है आपको सिर्फ नौ चैप्टर है और सिर्फ डीटी के लिए दो मॉड्यूल है मेरी बात ध्यान से सुने सर क्या आप हमें डरा रहे हो हां ये पचास मार्क के लिए इंस्टीट्यूट के दो मॉड्यूल है कितने मॉड्यूल दो सिर्फ डी के जीएसटी के दो अलग मतलब टोटल टैक्स के चार मॉड्यूल आएंगे तो दो मॉड्यूल है ये दो मॉड्यूल के अंदर में कितने चैप्टर है नौ पर हम क्लास में सत्रह पढ़ेंगे वाह सर गजब मतलब इंस्टीट्यूट नौ दे रहा है आप सत्रह दोगे पता इंस्टीट्यूट ने इतना जबरदस्त काम किया है इन्होंने एक चैप्टर लगाया चैप्टर नंबर थ्री और उसमें पांच चैप्टर पांच हेड मिक्स कर दिए तो सर ये लोग हमें क्या बना रहे हैं हाँ, हाँ, बेवकूफ है ना क्या बना रहे अपशब्द नहीं बेटा अपशब्द क्या बना रहे हमें बेवकूफ तो टेक्निकली आपको सत्रह चैप्टर है राइट पर मॉड्यूल जो आएगा आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से न्यू सिलेबस का आईसीआई न्यू पैटर्न का जो मॉड्यूल आएगा

हम लोगों ने जो नए मॉड्यूल आए है वो, RTP, MTP, Exam, हैं वो आरटीपी एम टी पी पास्ट एग्जाम सब क्वेश्चन कवर किए हुए हैं इसमें हम अनसोल्व क्वेश्चन कवर करेंगे दूसरा होगा क्वेश्चन बैंक प्लस समरी बुक दूसरी बुक जो आपको मिलेगी वो क्वेश्चन बैंक क्लास में हम जितना सॉल्व करेंगे उसके अलावा 300 टू 400 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे तुमको सोल्व पास्ट एग्जामिनेशन आरटीपी एमटीपी सब मिक्स करके बेहतरीन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन बैंक में रहेंगे तीसरी चीज जो तुमको मिलेगी वो होगा चार्ट एग्जाम से पहले इतना पढ़ का पॉसिबल है क्या बच्चा नहीं तो चार चार्ट मिलेंगे जिसके अंदर में पूरा सत्रह चैप्टर कवर होगा समरी बुक से भी पढ़ सकते हो चार्ट से भी पढ़ सकते हो एंड फोर्थ ये जो पंद्रह मार्क के आपको एमसीक्यू आने वाले हैं उसके लिए हमको क्या मिलने वाला है एमसीक्यू बुक स्टडी एमसीक्यू बुक मिलने वाला है तो मेरे तरफ से आपको चार बुक मिलेंगे पचास मार्क के लिए पहला होगा रेगुलर बुक दूसरा होगा क्वेश्चन बैंक तीसरा होगा चार्ट एंड चौथा क्या होगा मालिक एमसीक्यू ठीक है दूसरा पहले दिन आप सबको क्लियर कर दू प्लीज सुन लीजिए क्वेरीज ये अगर पॉसिबल है तो अपने पास सेव भी करके रख डी सब्जेक्ट में क्वेरी उसके लिए आपको नंबर जितना बच्चा यहां बैठा है तुम मुझसे क्वेरी कैसे पूछोगे पॉइंट नंबर अगर पढ़ाते वक, तुमको क्लास में क्वेरी आया हाथ उठाने का मैं तेरा रिप्लाई करेगा तेरा भाई जो थारा भाई ये तेरा भाई रिप्लाई करेगा हर लेक्चर के बाद दस मिनट का सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर का रखेंगे आप तब आ सकते हो पर मान लो रात में तुमको रात में तुमको ऐसा लगा नहीं हमको अभी तो आपने WhatsApp डाल के रखने का मैं रिप्लाई करेगा जब भी आपको व्हाट्सएप डालोगे, प्लीज वेट करिएगा फोर्टी एट आवर्स के अंदर में आपको रिप्लाई आ जाएगा डोंट वरी अबाउट इट यस मालिक चलो ये हो गई फालतू की बात अब करते हैं काम की बात अब करते हैं काम की बात नंबर एक बार दिखा लो नंबर क्या देखते हो यार दिल देखो ये लो नंबर हर बुक के पेज पे नीचे लिखा है हर बुक के पेज पे नीचे लिखा है बट स्टिल एट नाइन फाइव डबल सिक्स फाइव वन नाइन फाइव फोर उन्नीस सौ चौपन ठीक है चलो अब काम की बात पे आते हैं ठीक है अब जरा काम की बात पे आते हैं। वो जी ये क्या है थोड़ा बहुत सोफेस्टिकेटेड हो रहा था आ जाओ हाजी जी एमसीक्यू के अंदर में नेगेटिव मार्किंग है क्या वेल well, यहां पे नहीं है निगेटिव मार्किंग फाउंडेशन में थी बट हां अगर एमसीक्यू गलत कर दिया तो मार्क्स ही नहीं मिलने वाले ये भी निगेटिव से कम तोड़े ना है यस तो चलो लेट अस स्टार्ट लेडार्ट जर्नी ऑफ डायरेक्ट टैक्स जिसका मतलब है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सब पहली पहली बार पहला सब्जेक्ट है बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा इस अजम्पन जो पढ़ाऊंगा कि लॉ पढ़ना तुम्हें आता ही नहीं तो ध्यान से सुनना इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिलीव कर लीजिए सिर्फ ये चार वर्ड को ही अगले चार दिन तक पढ़ते रहोगे ये चार वर्ड को ही चार दिन तक पढ़ते रहोगे तो मैं आप सबकी आवाज सुनना चाहता हूं जोर से सब्जेक्ट का नाम क्या है इनकम एक मिनट अरे इतना जल्दी इनकम ये अलग चीज है दूसरा टैक्स एक्ट 1961 जोर से बोलो एक बार फिर से इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लियर है अब एक एक वर्ड को तोड़ेंगे सबसे पहले ये समझते हैं आपको तो तो पता है सर हम एवरेज तो बच्चे हैं अपने को पहले ये समझना पड़ेगा एक्ट क्या होता है तुम तो पहली बार लॉ पढ़ रहे हो ना तो पहले तो अपने को क्या समझना पड़ेगा एक्ट क्या होता है अरे बोलो ना हाँ तो सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड को इस वर्ड को तोड़ना चालू करते हैं आखिर सर ये एक्ट है क्या कहां से आया है कहां को जाएगा इसकी कुछ तो हिस्ट्री रही होगी ना धरती पे Yes no? तो बात उन दिनों की है किन दिनों की उन दिनों की, उन दिनों की बात है आपने चाणक्य जी का नाम सुना है आ, वो जिनने अर्थशास्त्र लिखा था राइट तो एक दिन चाणक्य जी अच्छा एक बात समझ लो आप सभी लोग इधर ये स्टेज इतना बड़ा मेरे लिए किया गया है ठीक है तो मैं इधर किधर भी घूमता हूं और जब भी मैं पढ़ा रहा हूं यहां कुछ भी हो सकता है तो प्लीज ये अज्यूम कर लेना कि भैया मास्टर में आत्मा आत्मा नहीं आई है ही ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ठीक है थीके? तो यू नो, चाणक्य जी राजा जी के पास आए तो कर लीजिए राजा जी बैठे हैं, चाणक्य जी राजा जी के पास आए राजा जी को बोला राजा जी हम लोग कर लगाते हैं कर टैक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है कर प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है उन्होंने कहा तो राजा जी हम लोग टैक्स लगाते हैं राजा जी हम्म क्या है ये सोचिए राजा जी देखिए जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ वी विल कलेक्ट द टैक्स एंड गिव इट बैक रेन वापस से जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन वी विल कलेक्ट द टैक्सेज एंड यूज द टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द सर्विसेस मतलब आप कहना चाहते हैं जिस तरह सूर्य पानी एब्जॉर्ब करता है और बाद में बारिश दे देता है मतलब हम भी लोगों से पहले लेंगे और बाद में उनको देंगे हाँ जी सर तो हम ले क्यों रहे हैं? <laughs> सर वो आप नहीं, नहीं आप समझे आप गलत जा रहे हैं सर सुनिए वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि ये जो पैसा उनको लिया जाएगा ये उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा आज देखिए बचपन से लेके आज तक के आपने रोड ब्रिज रोड यूज किया ब्रिज यूज किया डैम यूज किए कनाल यूज किए पुलिस सर्विसेज की सर्विसेज यूज कर रहे हैं हमारे देश की जो आर्मी है वो हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है पर आप सोच के देखिए आपने इनके लिए क्या किया पैसा कहां से आ रहा है इन सब चीजों के लिए आज हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके लिए पैसा कहीं से तो आना चाहिए और ये पैसा हाँ कहां से रहा है ये पैसा आता है मालिक टैक्सेस से तो सरकार क्या करती है टैक्सेस कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स और ये पैसे को कलेक्ट करके वो अलग अलग जगह यूटिलाइज़ करती है अब आप ये पूछेंगे सर कहा, कहा करती है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डैम ब्रिज कनाल पोर्ट एयरपोर्ट बनाती है ये सो नो राइट कभी आपने ऐसा सुना है ऐसी सड़क बनाऊंगा यहां से डांबर डाला वहां से सड़क बाहर <laughs> ऐसा कुछ नहीं सुना ना आपने क्यों क्योंकि ये टैक्सेस से आ रहा है आलू नहीं है टैक्सेस है टैक्सेस है बेटा देश के पैसे से आता है दूसरा दूसरा आज पुलिस वाले व्यक्ति आर्मी वाले व्यक्ति हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं पैसा कहां से आ रहा है टैक्सेस तीसरा तीसरा जो इतने सारा आप सोच के देखिए भारत कितना बड़ा है कितना अद्भुत है इतना सारा मशीनरी चलाना म्यूनिसपल अथॉरिटीज हो गई अलग अलग ऑफिस हो गए इतना सब चलाने के लिए जो पैसा आ रहा है ये ये कहां से आ रहा है टैक्सेस सो इज द अल्टीमेट लॉजिक ऑफ टैक्स लाया किसने था यू you नो know, चाणक्य जी ने जिन्होंने अर्थशास्त्र के तहत टैक्सेस को भी क्या किया था इंक्लूड किया था और इसे लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया था कैसे बोले जल्दी से लैंड रेवेन्यू के नाम से कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे यहां आएगा या जो व्यक्ति हमारे यहां है दो बात कोई भी व्यक्ति जो हमारे यहां आएगा या जो व्यक्ति हमारे यहां है इसको क्या देना है कर इसको क्या देना है कर ये कर राजा जी अपने खजाने में रखेंगे क्या नहीं ये वापस देंगे इन द फॉर्म ऑफ ये क्या कर देंगे वापस दे देंगे सो so, सबसे पहले हमारा मंत्र पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो हिस्ट्री क्या थी वी वुड कलेक्ट द टैक्स एंड गिव इट बैक एज रेन पर सर राज गए रजवाड़े चले गए उसके बाद तो ब्रिटिश रूल आया ना वहां समझाओ क्योंकि ये एक्ट बना हाँ जी तो सबसे पहले जिसको कहा जाता है फादर टैक्स, सर जेम्स विल्सन 1860 की बात थी पूरा हिस्ट्री ध्यान से समझिए जरूरी है बहुत जरूरी है राइट सर 1860 की बात थी हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था राज गये, रजवाड़े गए ब्रिटिशर्स आ गए राइट right? अब हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहा था वर्ल्ड वॉर टू के खर्चों से जूझ रहा था जब वर्ल्ड वॉर टू का खर्चा आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत के ऊपर टैक्स लगाया जाए इट द देन सर जेम्स विल्सन जिसने पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में क्या कि किया इंट्रोड्यूस किया इन दर एटीन सिक्सटी जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इनिशियली ये पांच साल के लिए लगाया गया था कितने साल के लिए बोलो जल्दी से पांच साल हालांकि इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं किया गया था फिर एक सेपरेट एक्ट लेकर के आया इन द ईयर अगेन 1886। अब 1886 में क्यों लेके आया वापस है? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जो थे ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और इनके लिए खर्चा करना पड़ रहा था इनको पकड़ने में खर्चा करना पड़ रहा था तो अगेन लोगों से टैक्स वसूलना चालू किया फिर वापस बंद कर दिया फिर आया इन दर नाइनटीन ट्वेंटी पहली बार फुल फ्लेजेड इनकम टैक्स को लॉन्च किया गया पहली बार फुल फ्लेजेड किसको लॉन्च किया गया बोलो बेटा इनकम टैक्स को लॉन्च किया गया हर बार जब भी इनकम टैक्स आया वो टेम्पररी बेसिस पे आया मतलब पांच साल दो साल एक साल लेकिन 1922 में, के लिए इनकम टैक्स इंडिया में क्या कर दिया गया लॉन्च कर दिया गया फिर आया 1947, फिर क्या आया 1947 के अंदर में आजादी मिली लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के साथ एक प्रॉब्लम थी आपने रिसेंटली अमित शाह सर का स्पीच सुना? उन्होंने तीन एक्ट रिप्लेस किए एनी आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट यस नो अब ये रिप्लेस करते वक्त अगर आपने देखा होगा सेम चीज अमित शाह जी ने बोली कि इन तीनों एक्ट के अंदर में क्या लिखा था ब्रिटिश रूल ब्रिटिश पार्लियामेंट अब 1922 का लॉ था और 1947 में हमने क्या ला लिया इंडिपेंडेंस लेकिन इनकम टैक्स में आज भी हर जगह पे क्या लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह के वर्ड लिखे थे तो डोंट यू थिंक भारत को अपना एक लॉ चाहिए था हा या ना 1961 आज जो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम क्या लेके आए 1961 के अंदर में इस लॉ को अमेंड करके लेके आए तो आज जो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन तो चलो एक बार फट से हु इज द फादर ऑफ इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन पहली बार एक्ट कब फुल फ्लेज पे पास हुआ 1922, 1920 ट्वेंटी

और रूल्स 1962 में आए ऐसा क्यों पूछो ना क्यों प्यार से पूछो तुम्हारे लिए मैं मेरा घर बार बीवी बच्चे छोड़ के आए हुए यहां प्यार नहीं मिला तो किधर जाऊंगा प्यार से पूछो क्यों ये एक सवाल का जवाब आपको कल मिलेगा जी हां एक सवाल आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं प्लीज ध्यान दीजिएगा पर ऐसा कनेक्ट करेंगे मजा आ जाएगा एक्ट आया कौन से ईयर में बोल बच्चे 1961 Rules आया कौन से में बच्चे? 1962 ऐसा क्वेश्चन ठीक है तो चलिए प्लीज रजिस्टर में जाइए हिस्ट्री ऑफ इनकम हम सबसे पहले एक्ट वर्ड को तोड़ रहे तो एक्ट कहां से बना पहले ये चीज लिखी हमने प्लीज रॉय मेरे साथ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स Who is called as the father of income tax in India? Sir James Wilson Act passed in nineteen twenty two after independence. the act was changed and new income tax act was launched act became income tax act 1961 एंड रूल्स इनकम टैक्स रूल्स 1962 अब सवाल यही है एक्ट 61 और रूल 62 ऐसा क्यों सो so, फादर ये बड़ियों की एमसीक्यू बनेगी ये लाइन बड़ी होगी क्या बनेगी एम सी क्यू सो फादर ऑफ इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन एक्ट का ईयर कौन सा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जाम ओरिएंटेड यही दो लाइन है अच्छा जी सर तो हम चार वर्ड पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले ये समझा कि क्या एक्ट सीधा 1961 में आया था बोलो मेरे बच्चे नहीं पहली बार फुल फ्लेज एक्ट का पास हुआ था 1922 फिर इंडिपेंडेंस के बाद इस लॉ को चेंज कर दिया गया जैसे आज हम आईपीसी चेंज कर रहे हैं वैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद हमने इनकम टैक्स को पहले ही चेंज कर दिया था और एक्ट लेके आया था 61 में रूल्स लाया था 62 में अब सवाल यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है एक्ट और रूल्स एक्ट हाँ, और रूल्स तो दोनों सेम होते हैं ना चलो बात निकली तो दूर तक जाएगी मैं क्या बोल रहा हूं तुमने फाउंडेशन में तो लॉ पढ़ाई है तो तुम मेरे को बता ही सकते हो मैं तो कहता हूं देखो एक्ट और रूल्स सेम होते हैं बोलो हाँ बोलो हा या हाँ हाँ या हाँ नहीं तो डिफरेंस बोलो अरे एक्ट में रूल्स लिखे होते ना कोई नहीं इस भरी सभा में जो इस बात का जवाब दे सके हाँ जी बच्चे हाँ एक्ट कंटेन आइडल कंडीशन रूल्स मतलब जो प्रैक्टिकली <laughs> चम्मी कपूर हाँ एक्ट चेंज नहीं होते रूल्स चेंज होते पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड एक्ट चेंज नहीं होते रूल्स चेंज होते हैं क्या ये बात सही है क्या ये बात सही है एक्ट <laughs> नहीं बदलते रूल्स बदलते क्या ये बात सही है <laughs> अरे बोलो ना मेरे लॉ वालों भैया एक्ट तो बदलता है ना <laughs> हाँ जी एक्ट हाँ, को बदलने में टाइम लगता है रूल्स बदल सकते अरे भाई मैं पूछ रहा हूं क्या है तुम बता रहे हो काम कैसे होता है जी बच्चे ये सही बोला इसने एक्ट बताता है क्या करना है रूल्स बताता है कैसे करना है नहीं 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 सर समझ में नहीं आया वापस बताओ सुनो एक्ट कहता है रिटर्न भरना है एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ एक्ट क्या कहता है रिटर्न भरना है, लेकिन रूल्स बताता है रिटर्न कब भरना है रिटर्न किसको भरना है रिटर्न कब तक भरना है नहीं भरे तो क्या होगा कहां से आएगी कहां को जाएगी पागल लड़की तो आपके एक्ट ने लिख दिया कि भैया क्या करना है करना है रिटर्न फाइल करना है रूल्स बताता है कब तक फाइल करना है कौन से फॉर्म में फाइल करना है किस मोड में फाइल करना है भैया इलेक्ट्रॉनिकली करना है फिजिकली करना है तो एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ वेर एज रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ तो आप सोच करके बताइए सिर्फ एक्ट पढ़ने से काम चल जाएगा कि रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा सच्ची बात है मतलब भले ही तो आए अलग अलग साल में होंगे पर रहना तो साथ में पड़ेगा ना बात समझ रहे हो आए अलग अलग साल में होंगे रहना तो साथ पड़ेगा ना पटरी कभी जुड़ती नहीं पर चलती तो साथ में ही है ना तो चलिए समझते हैं कि क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट पढ़ने की जरूरत है या और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा प्लीज गिव द हेडिंग हैश टैग कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स कंपोनेंट्स अपने लिए बाजू में लिखना मतलब एक्ट के साथ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा यह आपके लिए एग्जाम में नहीं लिखने का आप अपने आप को मैसेज कर रहे हो मतलब एक्ट के साथ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो पहली चीज आती है भैया पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो पहली चीज जो है वो है भाई साहब इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको एक्ट में एक्ट तो पढ़ना ही है सर मतलब खूब जोरत आला है प्रश्न विचारू का विचारू का सर जैसे कितने सेक्शन है सर इस एक्ट में जब भी हमको याद पढ़ते हैं मन में एक बहुत छोटा सा सवाल खड़ा होता है आखिर कितने सेक्शन पढ़ने हैं चलो रफ करो मतलब अपने फाउंडेशन को समझ के इंटर का गैसिंग लगाओ कितने हो सकते हैं और प्लीज भाई सब लोग जवाब दो और ये क्लास इंटरेक्टिव ही रहेगा मैं पहली बता रहा हूं जहां तुमने मेरे से बात नहीं की मैं यहाँ पे किसी भी चीज से बात करने लग जाऊंगा है ना फिर तुमको लगेगा कि यहां पे घोष्ट है आत्मा है चुड़ैल है विच है हाँ तुम टू नाइंटी हाँ, 298 सेक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट देर आर 298 सेक्शन अरे ये तो चालू होते ही खत्म हो गया रुको जरा सबर करो एक दिन में परेशान हो गया इस सब्जेक्ट से खुद मैंने बोला क्या है कितना है पलट के देखा देर आर 758 फिफ्टी एट सेक्शन सर मतलब ये तो वही बात हो गई कि मॉड्यूल में बोला नौ चैप्टर है पर है सत्रह एग्जैक्टली पूछो गड़बड़ कहां करते हैं ये लोग पूछो ना कहां करते हैं गड़बड़ सर ये गड़बड़ पता है आपको कहां करते हैं जैसे एक सेक्शन है सेक्शन 80 अब नंबर्स में तो इसको 80 काउंट किया जाता है पर एटी ए ए टी सी ट्रिपल सी 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 ए सीसी क्यू क्यू बी आर आर बी ऐसे बत्तीस सेक्शन है और इसको नंबर में लिखते वक्त ये नालायक लोग सिर्फ 80 लिखते हैं समझ में आ रहा है तुम्हें सर मतलब हमारा हाँ बट <laughs> हां लिखते वक्त हम भी ये लिखेंगे देर आर देर आर टू नाइन्टी एट सेक्शंस डिवाइडेड इन ट्वेंटी थ्री चैप्टर्स एंड फोर्टीन शेड्यूल्स तो पहले एक्ट समझ लेते हैं लड़ना जिससे है, पहले उसको जान तो लो 298 सेक्शन है टेक्निकली फिफ्टी तेवीस चैप्टर में डिवाइडेड है और 14 शेड्यूल्स है सर शेड्यूल क्या होता है समझाएंगे ये एक और सवाल पेंडिंग रखो शेड्यूल क्या होता है आप तो पहली बार पढ़ रहे हो आप तो एवरेज बच्चे हो आपको समझना सब जरूरी है एक एक वर्ड तो समझाएंगे चलिए एक और डाउट आया पूछू क्या बल टू कैस करो चलो लॉ बनाओ होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं आर्टिकल हट गया है ना इनकम टैक्स हमेशा से होल ऑफ इंडिया था इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग इनकम नहीं कमाते क्या वाह मतलब वहां की इनकम इनकम नहीं है ना ऐसा होता तो हर एक जन जा बसता कश्मीर में मजा भी आता वादियां देख के द इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया सो द एक्ट इज एप्लीकेबल कुटलीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया हाय नहीं सर इंडिया मतलब नहीं मतलब सर अभी तक के तो मैं जवान भी नहीं हूँ इंडिया भी पूरा घूमना नहीं है यह बात अलग है मेरे को इंडिया के बाहर ज्यादा इंटरेस्ट है एक कंट्री में पर एक नहीं दो बराबर है ना एक इधर जाना है एक उधर जाना है और जिसको नहीं समझा बेटा पोगो वरे वरे की नहीं हम्म तो चलिए अब एक सवाल है सर इंडिया मतलब क्या मतलब अब तक आपने इंडिया घुमा है क्या भाई नहीं।, नहीं तो इंडिया मतलब क्या तो चलो एक बात समझते हैं तो बात उन दिनों की है लिखना मत सिर्फ समझना एवरीबॉडी प्लीज पेन रोक दो और इधर देखो तो सपोज ये इंडिया का साउथ ठीक है ये इंडिया का साउथ तो एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ इधर एक शिप शिप दिख रही है शिप नहीं दिख रही तुमको दिस इज शिप ठीक <laughs> है इंडिया से शिप आई इंडिया के तरफ इंडिया के कोस्ट पे एक शिप आई राइट शिप के अंदर में बैठा था ये मेरा प्यारा सा दोस्त क्या नाम है तेरा प्रवन भरत भरत हाँ तो भरत बैठा था मस्त शिप के ऊपर चील मार रहा था ठीक है इतने में वो शिप पे वो आइटम देते ना अरे गुड्स 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 आइटम नहीं गुड्स देते ना तो भरत एक लाइक टू हैव समथिंग सर भरत अपना गांव का आदमी हाँ लाओ ना जो जो है सब लो ठीक <laughs> है जैसे ही वो लेडी ने प्रोडक्ट बेचा पैसे लिए वो पैसे लेके जा ही रही थी इतने में वो आया वो ध्यान रखे इस लेक्चर में जब भी वो आया का मतलब होता है इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एओ आया कौन आया तो इनकम टैक्स ऑफिसर इज एओ ठीक है तो इतने में एव आया एव आके बोलता है, ओ मैडम इधर 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 लो लो निकालो निकालो जल्दी अभी <laughs> एक अरे सुनना भाई तू कंसेप्ट में रहने मेरे को बोलते नहीं नहीं सर आप समझ नहीं रहे हैं द <laughs> आप समझ नहीं रहे हैं सर द इनकम टैक्सेस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया हम तो दरिया में है ना सर नहीं नहीं किधर भी हो दरिया शिप जा तो इंडिया ही है ना टैक्स दो इधर नहीं सर आप समझ नहीं रहे हैं सर ने बोला था इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया मैं इंडिया में हूँ क्या मैं दरिया में हूँ सर <laughs> क्या इसको टैक्स देना है इंडिया में हाँ हाँ पर आपने तो होल ऑफ इंडिया लिखा है तो इंडिया है ही नहीं वो तो पानी में है ब्रो हाँ मतलब इंडिया क्या है अब समझना पड़ेगा हाँ या हाँ उसी टाइम पे इधर हमारे कलकत्ता से एक फ्लाइट उड़ी ठीक है फ्लाइट दिख रही है ठीक है फ्लाइट के अंदर में फ्लाइट के अंदर में अगेन नाम क्या भाई तेरा संयम संयम अपने संयम के साथ बैठा था <laughs> तो <laughs> संयम बैठा था इतने में एयर होस्टेस दीदी रहती है ना यू लाइक टू सर इसने बोला हाँ हाँ लेके आओ जो भी है लेके आओ गुड सेल किया पैसे लेके जा ही रही थी इतने में वो आई ए ए करके बोलती है हेलो सर प्लीज टैक्स दीजिए लाइन नहीं जल्दी टैक्स दीजिए अगेन दॉ सर आप भूल रहे हैं सर द एक्ट इज एप्लीकेबल टू मैं कहा हवा में <laughs> कोई टैक्स नहीं <laughs> आपने क्या कहा द एक्ट इज एप्लीकेबल टू कहा हूं इज टैक्स एप्लीकेबल ये होना चाहिए पर कैसे आपने तो लॉ में लिख दिया एक्ट इज एप्लीकेबल टू गोल ऑफ इंडिया यानी आपको नहीं लगता हमें यह समझना पड़ेगा इंडिया कहां तक जा रहा है या इंडिया डिफाइंड होना चाहिए नहीं, तो कितना डिस्प्यूट हो जाएगा ये सोचो ना ये सो नो मान लो कोई फ्लाइट रशिया से आ रही है दुबई से आ रही है अलग अलग जगह से आ रही है अब ये जो फ्लाइट अलग अलग जगह से आ रही है ये भी तो कुछ ना कुछ फ्लाइट में ऑन बोर्ड गुड्स बेचते होंगे ये भी तो शिप कुछ ना कुछ ना कार्गो लेके अलग अलग जगह से आ रही है ऐसे तो फिर बहुत कुछ टैक्स हो जाएगा तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है ना भैया इंडिया मतलब क्या बोलो हाँ या हाँ तो भैया इंडिया क्या डिफाइंड है ये समझिए यहां पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वॉट इज इंडिया इंडिया एक्सटेंड अप टू अपड्रेड नॉटिकल माइल्स इंडिया तक चलता है इंडिया एक्सटेंड अप टू अप्रेड नॉटिकल माइल्स वापस से बोलो इंडिया एक्सटेंड अप टू लिखना कुछ नहीं है सिर्फ सुनते रहे पहले बारह नॉटिकल माइल्स पे ये होता है टेरिटोरियल वाटर कौन सा वॉटर होता है बोलो जल्दी से टेरिटोरियल वाटर क्या आप जानते हैं एनीथिंग विच कम्स इन इज कॉल्ड एज इंपोर्ट एनीथिंग विच गोज आउट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर कुछ भी आया इंपोर्ट है ये 12 नॉटिकल माइल के बाहर कुछ भी गया ये क्या है एक्सपोर्ट है समझ आ रही है बात? हम जब IDT, आपको सर जब आईडीटी पढ़ाते रहेंगे तब आपको 12 नॉटिकल माइल पढ़ाएंगे डी के अंदर में टू हंड्रेड नोटिकल माइल है टू हंड्रेड नोटिकल माइल को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अब ये 200 में अंडर द वॉटर ऑन द वॉटर अबाव द वॉटर सब कवर क्या बोला बोलो जल्दी से अंडर द वॉटर ऑन द वॉटर अबाव द वॉटर सब कवर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स में सो so अगर अब मुझे सोच के बताइएगा इस साइड 198 नॉटिकल एट माइल्स पे क्रूड ऑयल निकला और क्रूड ऑयल यहीं से सेल हो गया इज इनकम टैक्स एप्लीकेबल बिकॉज इट इज विद इन टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स आई यू गेटिंग द नॉट ये मान लीजिए मान लीजिए ये हवा में हम टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स के अंदर है और यहाँ कुछ सेल होता है क्या ये भी इनकम टैक्स के अंदर में आएगा हाँ यहाँ समझ में आ रही बात सो इट इज फ्राम दैट परस्पेक्टिव इंडिया इज रेलेवेंट इंडिया इज रेलिवेंट सो इंडिया एक्सटेंड अप टू बोलो ना बेटा टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स अंडर द सी ऑन द सी अब दी अब कुछ नालायक बच्चों के मन में ये 200 के अंदर क्या पढ़ा रहा वो नहीं जा रहा उनके मन में सवाल आया 200 के बाहर क्या हो रहा है वो बताओ कुछ नालायकों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा सर 200 में क्या चल रहा इंटरेस्टेड मुझे इंटरेस्ट है वो 200 के बाहर क्या चल रहा ये जो 200 के बाहर सुनो ध्यान से यही इंपॉर्टेंट है और ये जो तुमने पूछा है जिनके मन में ये सवाल आया तुमने सीए फाइनल का क्वेश्चन पूछा है सीए फाइनल का क्वेश्चन है ये 200 नॉटिकल माइल के बाहर जो इनकम जनरेट होती है क्योंकि क्रूड ऑयल वहां पे भी मिल सकता है 200 सौ माइल के बाहर जो इनकम जनरेट होती है ये दो कंट्री के ट्रिटी के बीच में होती है मतलब इसे इंटरनेशनल इनकम कहा जाता है और सीए फाइनल में आप मेरे साथ इंटरनेशनल टैक्स जब पढ़ेंगे तब आप एक कौन सा DTAA, यहां कहीं श्रीलंका है तो डोंट यू थिंक कुछ वॉटरवेज तो ऐसा होगा जो हम दोनों शेयर कर रहे होंगे तो इन दोनों कंट्री के बीच में एक क्लियर डिविजन होता है इतने नॉटिकल माइल तक के हम रखेंगे इनकम इस नॉटिकल माइल की बाहर आप रखोगे तो ये क्लियर कट होता है दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट बनता है और इस अग्रीमेंट को कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस अग्रीमेंट समझ मारी है सभी को बात क्या बोला जाता है बोले जल्दी से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस उसके तहत ये डील होता है जो कवर्ड है सीए फाइनल में समझ बात चलो तो ये होल ऑफ इंडिया तो पहली चीज जो इनकम टैक्स के साथ पढ़नी है वो क्या पढ़नी है बोले जल्दी से इनकम टैक्स एक्ट एक्ट के अंदर में कितने सेक्शन है बोल मालिक टू नाइनटी एट सेक्शन कितने शेड्यूल है फोर्टीन कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया सेकेंड चीज जो हमें पढ़नी है सर इंडिया नहीं लिखना है थोड़े दिन बाद लिखेंगे रुक जाओ इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन सिक्सटी टू सर रूल्स के अंदर में क्या होता है रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट रूल्स so, के अंदर में क्या होता है सर रूल्स के अंदर में होता है इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट यस तो एक्ट ने लिखा रिटर्न भरना है लेकिन रिटर्न कब तक भरना है कौन से फॉर्म में भरना है किसको भरना है भरते वक्त कौन सा साइन होगा एटसेट्रा 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 सब कुछ इधर आ जाएगा एच्रा 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 सब कुछ किधर आएगा रूल्स तो बता बेटा सिर्फ एक्ट पढ़ के काम चलेगा क्या नहीं क्या करना पड़ेगा रूल्स तीसरी चीज एक और है तीसरी चीज एक और है नोटिफिकेशन अब तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है पहले ही दिन यह समझना जरूरी है कि नोटिफिकेशन नाम की भी कोई चीज होती है एनी वन वट इज नोटिफिकेशन कुछ धुंधला आइडिया मेरे को परफेक्ट जवाब नहीं चाहिए जी कम्युनिकेशन ऑफ वॉट कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज एब्सोल्यूटली करेक्ट नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज अब आप ये पूछेंगे सर ये चेंज आया क्यों है देखिए इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट है जीएसटी का जो सब्जेक्ट है ये हर छह महीने में अपडेट होता है ये सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन अब यहां पे क्या होता है कि नोटिफिकेशन लाना पड़ता है कुछ भी चेंज हुआ अब जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं ठीक है अभी इनकम टैक्स में एक प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम क्या थी इनकम टैक्स वालों ने बोला भैया आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा नहीं तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे चलिए वापस से लॉ क्या था आधार कार्ड देना है नहीं तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे अब हुआ ये कि नॉन रेसिडेंट दीदी पहुंच गई वहां पे एक नॉन रेसिडेंट दीदी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच गई कहा हाय हाँ यस मैम व्हाट व्हाट वी कैन हेल्प यू यस एक्चुअली um, मुझे इंडिया से इनकम आ रहा है आई नीड टू फाइल टैक्स क्या आप मेरी मदद करेंगे <laughs> हाँ मैम हम सब करेंगे uh, भरिया ना आप रिटर्न क्या तकलीफ है तकलीफ ही तो यही है आपका लॉ ने कह दिया वी नीड टू हैव आधार अब मैं आधार कहाँ से लाऊँ मेरे पास तो आधार है ही नहीं <laughs> आधार तो इंडियन सिटीजन के लिए ना ब्रो अरे हाँ यहाँ हाँ अब प्रॉब्लम क्या है चलो प्रॉब्लम बताओ क्या है अब लॉ कह रहा है एक्ट कह रहा है नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया से इनकम कमा रहा है दैट ही नीड टू पे टैक्स इसको रिटर्न फाइल करना है लेकिन रिटर्न फाइल करते वक्त दिक्कत क्या है आधार चाहिए नॉन रेसिडेंट को तो आधार नॉन रेसिडेंट को आधार अब सवाल यह है, का है? तब जाकर के रूल्स चेंज किए गए तब जाके क्या चेंज किया गया रूल्स रूल्स इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हैलो रूल्स चेंज किए और बाद में कहा गया कि भैया नॉन रेसिडेंट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ आधार कि भैया नॉन रेसिडेंट के केस में आधार की जरूरत नहीं है और तब जाके वो लॉ लाया गया पर अब ये चेंज हो चुका है यह हम सबको पता कैसे चलेगा ये सो नो तो एक आम पब्लिक को कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से जो आता है वो आता है किसके तरफ से नोटिफिकेशन इसीलिए इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज अब आप ये पूछेंगे कि सर मुझे नोटिफिकेशन जो है वैसे एक बात बताओ हम लोग इंस्टा यूज करते हैं स्नैपचैट यूज करते हैं जैसे दोस्त ने फोटो चेंज किया हमें क्या आता है कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन सर नोटिफिकेशन इशू कौन करता है इज इशूड बाई सीबीडीटी सर आपको तो पता है मैं पहली बार डीटी पढ़ रहा हूं ये सीबीडीटी क्या है एनी आइडिया बॉयज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इस बारे में डिस्कस करना है हमें तो पहला नोटिफिकेशन इज इशूड बाय सीबीडी इट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन चेंज इन वाट एक्ट और रूल्स सर सर मुझे भी नोटिफिकेशन देखना है कहाँ मिलेगा प्रैक्टिकली नहीं थियोरिकली नहीं प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे देखिए एक बार फ्त तुम्हारा साथी इनकम टैक्स की वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन प्रैक्टिकली समझना प्लीज़ इनकम टैक्स की वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन इनकम टैक्स की तीन वेबसाइट है और पूरे इस डी के लेक्चर में तुम्हें तीनों वेबसाइट पे वर्किंग भी साथ साथ में समझनी है क्योंकि तुरंत इसके बाद तुम आर्टिकल शिप पर जाओगे यू शुड बी रियली रेडी राइट इनकम टैक्स की वेबसाइट है इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन ये पहला वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आप जैसे ही नीचे आओगे आपको एक्ट पढ़ने मिल जाएगा रूल्स पढ़ने मिल जाएगा और साथ साथ में क्या मिल जाएंगे नोटिफिकेशन समझ में आया ढूंढना कहाँ है मुझे नहीं समझा वापस बोलो कहाँ जाना है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन यहां जाते ही फ्रंट पेज पे ही तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन क्लियर है मालिक आ जाओ सो नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन सर ऐसे तो नोटिफिकेशन फिर कभी भी आ जाएगा हाँ यहां ऐसे तो वो कभी भी आ जाएगा मान लो मेरे एग्जाम से तीन दिन पहले नोटिफिकेशन ला लिया वो तो कैसे करेगा इमेजिन लॉ का पेपर हुआ और नोटिफिकेशन आ गया टैक्स रेट चेंज अब मतलब कोई डेट होनी चाहिए ना मतलब एक क्लियर गाइडलाइन यार यहां तक के नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है क्योंकि नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है बात याद रखिएगा बदलाव कभी भी हो सकते हैं चाहे अपने में हो या सपनों में हो ठीक है इसे कुछ शायरी से कहना चाहूंगा जरा समझना अच्छा एक बेसिक रूल लेक्चर के बीच में शायरी आएगी मैंडेटरी पार्ट है ठीक है और शायरी के कुछ बेसिक रूल है जो आपको आज ही सीखने हैं चालू होने से पहले होता है ठीक है? फर्स्ट पैराग्राफ के बाद होता है और एंड में पसंद आ जाए तो बहुत खूब नहीं तो चुपचाप नीचे देखने का ठीक है तो चलो दाद दो। ये उन लोगों के लिए है जो आपके साथ तो थे पर अब बदल गए ठीक है कुछ इस तरह बदला है वो कुछ इस तरह बदला है समझ ही नहीं आता बदला है या बदला है कुछ इस तरह बदला है वो समझ ही नहीं आता बदला है या बदला है तो चलिए ध्यान से सुनिए आपके मन में सवाल उठेगा सर नोटिफिकेशन तो कभी भी चेंज हो जाएगा जब जिसका मूड आया डाल दिया ऐसा थोड़ा ना होता है <laughs> फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी भी डाल दिया मैं क्या करूंगा एग्जाम से दो दिन पहले आ गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं डेट याद रख लीजिए ऑल नोटिफिकेशन सिक्स ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल यानी ऐसा नहीं होगा दो दिन पहले नोटिफिकेशन आया तुमको डर जाना है ना ऑल नोटिफिकेशन ध्यान से सुनना ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ्स फोर एग्जाम आर एप्लीकेबल अच्छा पूछो गुड पार्ट क्या है तुमको ये पढ़ना है पूछो बैड पार्ट क्या है खुद से पढ़ना है आपको अमेंडमेंट आएंगे ध्यान से सुनना ये जो बैच है ये कंप्लीटली अपडेटेड है मे ट्वेंटी फोर नवंबर ट्वेंटी फोर के लिए बराबर है लेकिन आपको जो नोटिफिकेशन आएंगे टे से पहले उतना आपको पढ़ना पड़ेगा यह मेरे तरफ से टोटली फ्री रहेगा यूट्यूब पे क्योंकि नोटिफिकेशन अब अगर आपका अटैम्प्ट मे 24 है तो 31 अक्टूबर 2023 तक के सारे नोटिफिकेशन तुम एप्लीकेबल है सिक्स मंथ्स बिफोर अगर तुम्हारा नवंबर 24 फोर है तो बोलो 31 मई 2024 तक के सारे नोटिफिकेशन तुम एप्लीकेबल है सीधे इस अटेम्प्ट में हो तो पहले वाले अटेम्प्ट की डेट नवंबर में हो तो मे मे में हो तो नवंबर क्लियर है छह महीने के पहले तक के सारे नोटिफिकेशन कवर किए जाएंगे अब अगर आप लॉजिकली लॉजिकली सोच सोच करके देखे, सोच करके देखे, कल कोई नोटिफिकेशन आता है क्या मे ट्वेंटी वालों के लिए एप्लीकेबल है नहीं समझ में आया है परसों आया तो दिसंबर में आया तो सॉटरडे ब्रो क्लियर है चल, all six before exam, applicable. चल बोल, one, two, three, start, revise again. कौन करता करता है? CBT. CBT करता है, कहां मिलेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अरे यारेबसाइट में भूल गया हाँ इनकम टैक्स इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन इट इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल तो दो दिन पहले आया डरने का नहीं क्लियर है मालिक चलो तो एक्ट में क्या क्या पढ़ना है एक्ट के साथ क्या क्या पढ़ना है अब मुझे बताओ क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के काम चलेगा कि नोटिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा so, ये भी पढ़ना पड़ेगा एक और चीज है खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज है सर्कुलर कभी सुना है सर्कुलर नाम की कोई चीज होती है वॉट इज सर्कुलर वॉट इज सर्कुलर सर्कुलर हाँ जी कम्युनिकेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ओके बट ये भाई तो मेरे से कह रहा था वो नोटिफिकेशन है कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन सबके लिए है और सर्कुलर सिर्फ इनर वालों के लिए है ठीक है एक और, और कोई हाँ उधर साउथ इंडिया से इधर नॉर्थ इंडिया परमिशन अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी फ्यूचर चीज आवाज आ गई मेरी हाँ जी क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट बड़े बड़े लेक्चर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है है ना बैटरी डाउन हो सकती है <laughs> चलो बताओ क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट और कुछ पर एक सवाल है ये मैम ने जो जवाब दिया ये करेक्ट है पर डाउट है किसको लोगों को डाउट है डाउट किसको है मतलब तुम्हारे डाउट अब भी क्लियर नहीं हो रहा है एक्ट ला लिया रूल्स ला लिया नोटिफिकेशन ला लिया फिर भी तुम्हारे मन में सवाल है हाँ हा? ये तुम्हारे मन के सवाल नहीं है समझाऊं अच्छे से दो मिनट दोगे एक्स्ट्रा ठीक है वैसे मैं एक्स्ट्रा लेता नहीं वैसे बता रहा हूँ सुनो ये जबरदस्ती प्रेस्टिज में मेरे को बदनाम करके रखा है सुनो पॉसिबल लॉजिकली समझना ठीक है एकदम लॉजिकली लास्ट बेंच तक के इधर सुन भाई सपोज ये बैठा है एओ मुंबई में ठीक है एक बैठा है एओ दिल्ली में एक बैठा है एओ कोलकाता में ठीक है एक बेटा है चेन्नई में ऐसा पॉसिबल है क्या कि इनके इंटरप्रिटेशन ऑन द सेम लॉ अलग अलग हो सकते हैं सोच के बताइए एक ही प्रोडक्ट पे इनके थॉट अलग अलग हो सकते हैं क्या यह पॉसिबल है हां या ना चलिए और अच्छे से समझाता हूं जिसके मन में जो आए प्लीज बताना ठीक है आप बिल्कुल सब बता सकते हो सब ठीक है तो मैं पूछता हूं एक एक जन से लास्ट में बैठी हुई दीदी यस मैम हाँ आपके हिसाब से क्या ही है और दिल खोल के बोल सकती हो बेटा सब इतने समझदार हैं यहां पे, ग्लास है जिसमें स्ट्रॉ है एक ग्लास जिसमें स्ट्रॉ है हाँ बोलो मैडम एश ट्री हम्म बोल भाई तू तो पास में बैठा है बता दे चम्मच चम्मच भाई का इंटरप्रिटेशन है फालतू की बातें नहीं होंगी हाँ बोल बेटा क्या है हाँ बोल बोल हाँ हुक्का हुक्का विस्की हम्म हाँ चॉकलेट चॉकलेट बार हम्म क्या चीज अच्छा अब एक बात समझना हाँ टू मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर स्पून स्ट्रॉ सर हाफ ग्लास ऑफ वाटर विथ हाफ स्ट्रॉ विस्की ऑन द रॉक्स जल भरा हुआ है ये जल वाला व्यक्ति जरूर शाहिद कपूर और उसकी पिक्चर देख के आया होगा <laughs> कॉकटेल है एक बात समझना जब मैंने आपके सामने ये प्रोडक्ट रखा हर एक ने अपने एक्सपीरियंस इच्छा <laughs> के हिसाब से अपने तरीके से इंटरप्रेट किया हाँ यहां हाँ ठीक <laughs> है आप सबको मतलब तो 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 किसी ने सिगरेट इंटरप्रेट किया किसी ने चॉकलेट बार किसी ने सिर्फ पानी किसी ने चम्मच किसी ने हुक्का सब ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक लॉ जो लॉ मेकर बनाए उसका इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट में ही अलग अलग लोग कर दें पॉसिबल है ना मतलब इमेजिन कीजिए आप डॉक्टर के पास गए ठीक है डॉक्टर बोला सर बहुत पेट दुख रहा है सर बहुत पेट दुख रहा है ठीक hmm, है कोई बात नहीं गैस हो गया जाओ फिर भी पेट दर्द नहीं हुआ आप दूसरे डॉक्टर के पास गए दूसरे डॉक्टर ने बोला hm, तुम्हें तो, तो वो हो गया जो नहीं होना था डोंट यू थिंक लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा भाई <laughs> हाँ या ना राइट right? अलग अलग व्यक्ति के अगर तुम एज अ सी ए सबको अलग अलग ओपिनियन देने लग गए राइट तो लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा और देखिए पीपल कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन इज डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अंडरस्टैंड यू आर अ टैक्स पेयर यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन इट इज योर राइट टू डाइवर्ट फ्रॉम वॉट इज लॉ इज से टैक्सपेयर यू हैव राइट पर डिपार्टमेंट के अंदर के लोग ही अगर इस पर अलग इंटरप्रिटेशन निकालने लग गए विल दट मेक एनी सेंस ना?

मैंडेटरी फॉर डिपार्टमेंट एंड नॉट मैंडेटरी फॉर एसे ये लाइन कंफर्म एमसीक्यू बनेगी इट इज मैंडेटरी फॉर डिपार्टमेंट एंड नॉट मैंडेटरी फॉर एस मतलब क्या है सर इसका बेटा इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट वालों को तो फॉलो करना ही है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि डिपार्टमेंट ही अलग अलग व्यू दे दे हेलो पर हां असेसी एज अ टैक्स पेयर कैन हैव अ डिफरेंट व्यू सर एग्जाम्पल बताइए मान लीजिए अगर किसी लॉ में लिखा है दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू कंपनी तो डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत क्लियर रहेगा विच टाइप ऑफ कंपनी ये इंटरनल कम्युनिकेशन रहेगा जैसे कि दर्शन सर आपको बोलेंगे लॉ के अंदर में टाइप ऑफ कंपनी तो इंटरनली बहुत क्लियर रहेगा किस टाइप की कंपनी को यह बेनिफिट देना है अब एक आई फॉरन कंपनी फॉरन कंपनी ने भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले लिया एंड सपोज इंटरनल कम्युनिकेशन क्या था इंडियन कंपनी बात समझना अब आप जाके बोलोगे सर मे को बेनिफिट दो ए बोलेगा नहीं 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 दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के पास क्या ये राइट नहीं है केस करने का कि सर आपने लॉ में कहा लिखा है इंडियन कंपनी लॉ में क्या लिखा है कंपनी लॉ में ये लिखा है क्या इंडियन कंपनी नहीं इज इट अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट इसीलिए ये डिपार्टमेंट को मैंडेटरी है एस को मैंडेटरी नहीं है सर ऑल सर्कुलर सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल ऑल सर्कुलर सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल ओहो तो मेरे मन में एक सवाल है भाई प्लीज डाउट क्लियर कीजिए मैं अगर मे का एग्जाम दे रहा हूं कौन सी डेट तक के सर्क्यूलर आएंगे अक्टूबर नवंबर ट्वेंटी फोर दे रहा हूं तो सॉटेडे ब्रो यानी नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल तो एग्जाम से पहले कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर आ जाए आपने डरने का नहीं है सर प्रैक्टिकली पढ़ाओ सर सर्कुलर मिलेगा कहा? वही वेबसाइट पे वही वेबसाइट पे देखिए जितनी बात हम डिस्कस कर रहे हैं क्या एक्ट वर्ड दिख रहा है क्या रूल्स दिख रहा है क्या सर्कुलर दिख रहा है क्या नोटिफिकेशन दिख रहा है ऑल आर पार्ट इनकम टैक्स सब साथ में पढ़ना पड़ता है तो बताओ सिर्फ एक्ट पढ़ के काम चल जाएगा क्या सिर्फ रूल्स पढ़ के काम चल जाएंगे सिर्फ नोटिफिकेशन सर्कुलर सब पढ़ना पड़ेगा दीज आर कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स इसके अलावा पांचवा पॉइंट केस लॉ लौ, केस लॉज इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट रहेंगे वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कई बार कुछ एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं है इस बारे में एक्ट नहीं लिखता और ये केस लॉ के तहत आते हैं ये किसके तहत आते हैं बोले जल्दी से केस लॉ के तहत आते हैं जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं अगर कोई कंपनी लेट से ओयो बोनस इशू लेके आती है क्या लेके आती है <laughs> बोनस इशू लेके आती है अब बोनस इशू लाने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे हाँ या ना तो ये खर्चे क्या आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये बात एक्ट ने नहीं लिखी ये बात केस लॉ से आई कि हाँ आप खर्चे करो इट इज अलाउड एज डिडक्शन तो आप सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ोगे सो देर आर फाइव कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स बताओ कौन कौन से पहला क्या पढ़ना है एक्ट एक्ट की बात क्या पढ़ना है रूल्स के साथ क्या पढ़ना है नोटिफिकेशन के साथ क्या पढ़ना है और सर्कुलर के साथ साथ क्या पढ़ना है केस लॉ यस नो अब केस लॉ आपको कैसे लिखे हुए मिलते हैं फाउंडेशन में जो आपको केस लॉ मिलते थे और यहां जो केस लॉ लिखे हुए मिलेंगे ये अलग अलग होंगे कभी तुमने सीए का ऑफिस विजिट किया है हाँ यहाँ हाँ आपने देखा होगा उसके पास एक बहुत सारा बुक का रैक रखा होता है है ना बहुत सारी बुक और आपके मन में सवाल आता है ये पढ़ता है <laughs> नहीं ये पढ़ता है अब मैं आपको बताता हूं जैसे कोई केस लॉ ले लेते हैं राइट चिन्नैया ठीक रहेगा ये आपकी बचपन की यादें? है चिन्नैया रमैया 2018 सुनो लिखना मत 2018 थाउजेंड टी और एटीन आपको इनकम टैक्स की मैक्सिमम बुक्स में केस लॉ इस तरीके से लिखे हुए दिखेंगे अब इसको पढ़ना समझिए क्योंकि आपका तो पहला दिन है आप तो एवरेज बच्चे हो आपको तो हर चीज समझनी है सर ये है क्या इसको कैसे पढ़ते हैं पहले आप मेरे को समझाइए यहां पर केस किसने किस पे किया है लॉ तो तुमने पढ़ा ही है केस किसने किस पे किया है चिन्नैया ने पक्की बात केस चिन्नैया ने रमैया पे किया है ये मेरे को पता था आप समझ जाओगे मेरे को आपको इसके आगे का समझाना है अब देखिए कई बार ऐसा होता है आप अपने ऑफिस में मस्त बैठोगे एक दिन सी ए बन के सी एम ए बन के जो भी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं अपन जैसे बैठेंगे और सामने से क्लाइंट आया राइट क्लाइंट का अपना एक इशू होगा ये इशू इसके पहले अकेला ये यूनिक व्यक्ति होगा क्या धरती पे नहीं ऐसा सिमिलर इशू किसी ना किसी का तो आया होगा ही हाँ यहाँ हाँ या नियर क्लोज इशू तो आया ही होगा तो ऐसे केस में आप कोई ना कोई केस सर्च करते हो आप जब मेरे साथ फाइनल में रहोगे केस को सर्च कैसे करना है वो सिखाऊंगा हालांकि ये समझो अभी अब आप क्या करते हो मान लो बुक ओपन किया और आपने ऐसा कोई केस दिख गया तो इसका मतलब ये होता है चिन्नैया ने रमैया पे केस किया था इस केस का डिसीजन दो में आया था डिसीजन केस फाइलिंग नहीं इस केस का डिसीजन कब आया था दो तो इसको इनकम टैक्स रूलिंग नाम की एक बुक होती है जितने भी केस इनकम टैक्स के जजमेंट्स आते हैं वो एक बुक में आते हैं कॉल्ड एज इनकम टैक्स रूलिंग तो इनकम टैक्स रूलिंग की बुक में अठारहवें नंबर का केस दिखेगा दो वाली बुक में चन्नैया वर्सेज रमैया तो इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना होता है क्या समझे वापस से सुनिए एक बार में नहीं समझ में आया बोलो नहीं समझा मैं फिर समझाऊंगा किसने किस पे केस किया ये तो क्लियर है ये सेटल्ड जजमेंट है कौन से साल का 2018 तो इनकम टैक्स रूलिंग नाम की बुक हर साल निकलती है तो आपको इनकम टैक्स क्योंकि आप गूगल वूगल भी करोगे ना तो गूगल में आपको ये इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा तो आपको समझना है आपको इनकम टैक्स रूलिंग नाम की बुक उठानी है उसमें कौन से ईयर की बुक उठानी है 2018 और उसमें अठारहवें नंबर का केस है चेन्नईया और रमैया दिस इज हाउ यू फाइंड इट मज़ा आया नहीं मेरे को नहीं समझा बोलो नहीं समझा

तब तुमको वो केस मिलेगा चिन्नैया वर्सेस रमैया ये डी में होता है लॉ में सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है लेकिन डीटी में इतने सारे केसेस बनते हैं तो आपको ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कौन से नंबर का केस था जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ होगा समझ में आ रही है बात सो so, ये हुआ केस लॉ आ जाओ बेटा हाँ जी 2017 में 2017 का एक बुक होगा अठारह का होगा 19 का होगा केसेस अगर ज्यादा होगा तो 2017 का वॉल्यूम का वॉल्यूम टू ऐसा भी होता है हाँ जिस साल उसका जजमेंट आया उस साल के इसमें इंक्लूड कर देते पूरा क्योंकि जिस साल जजमेंट आया बेटा उस साल ही तो आप यू नो पहले इसने क्या किया था फिर इसने क्या किया था फिर इसका क्या हुआ था फिर इसका क्या हुआ था वो जाके तभी पता चलेगा ना तो चलिए आपको समझ में आ गया पचास मार्क के लिए आपको कितना पढ़ना है पहले क्या पढ़ना है एक्ट फिर रूल्स फिर नोटिफिकेशन फिर सर्कुलर एंड केस लॉ चलिए अब मुझे हम क्या पढ़ रहे हैं पहला वर्ड एक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं पहला वर्ड एक्ट कि एक्ट के साथ क्या क्या पढ़ना है अब एक्ट में क्या क्या पढ़ना है पढ़ेंगे हैश टैग दूसरा पॉइंट एक्ट कंटेन्स। एक्ट कंटेन्स। जब भी आप इनकम टैक्स ओपन करेंगे आपको एक्ट में क्या दिखेगा ब्रो एक्ट में दिखेंगे सबसे पहले सेक्शंस एंड एंड सबसे एक्ट में सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी मैं इस अजम्शन पे पढ़ा रहा हूं कि तुम टैक्स नहीं लॉ ही पहली बार पढ़ रहे हो पर ये एजम्शन ठीक है हम सबके लिए अजम्शन ठीक है ना मालिक मैं इसमें देख मेरे पास ऑप्शन है मैं तो डायरेक्ट आके पहले दिन असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पढ़ा दू पर मजा नहीं आएगा तेरे को पहले बार तू इनकम टैक्स पड़ रहा है डीटी पढ़ रहा है और जीवन भरी से पे करने वाला है कमाएगा इतना ना भाई पे भी तो करना पड़ेगा तेरे तो को ये सब समझना पड़ेंगे अच्छा जी बेटे सुन बेटे ध्यान से सुनना हाँ चलो मैं किसी को भी पकड़ रहा हूं और बोल रहा हूं कि भैया मेरे को इसको एक्सप्लेन कर दे ठीक है चल बेटे ट्राई कर ओ, ओ मैं थोड़ा सा बाजू उठ देता हूं हां ये क्या लिखा है प्लीज रीड करना इसको मेरे लिए हां हां सेक्शन टू और डर मत भाई किसी से मत डर तू इस क्लास में सिर्फ तू और मैं बैठे हैं हां सेक्शन सेक्शन टू सबसेक्शन ट्वेंटी टू क्लॉस फोर सब क्लॉस फोर क्या ये भाई ने सही पढ़ा एब्सोल्युटली सही परा वेरी गुड ध्यान से तो सुनिए सबसे पहले 758 सेक्शन तक जाना है मेरे बच्चे को पता तो होना चाहिए सेक्शन को पढ़ते कैसे हैं तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है सेक्शन ठीक है नाउ व्हाट इज अ सेक्शन सेक्शन इज अ डिवीजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक manner एक्ट को सिस्टमैटिक manner में डिवाइड किया जाता है बुलाना बुलाना लगाना तो कुछ याद आ रहा है क्या राइट right? अगर आप देखेंगे आपका कंपनी लॉ भी एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर में रखा गया है इन से यहां से यहां तक के सेक्शन फिर यू नो जब आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो से यहां यहां तक के सेक्शन चार्ज करते हो तो यहां से यहां तक के सेक्शन आई गेस आपको अधर्श ने बताया ही होगा सो so, पहले होते हैं सेक्शन राइट डिविजन ऑफ एन एक्ट इन सिस्टमैटिक मैनर दूसरा होता है बोलो बेटा सब सेक्शन सेक्शन के अंदर सबसेक्शन होता है अब पूछो ना सबसेक्शन क्या होता है ना। पूछो ना क्या होता है सर सेक्शन का फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज को अलग अलग किया जाता है क्लॉज वन अलग बारे में बात कर रहा है क्लॉज टू अलग बारे में बात कर रहा है तो जब हमें दो अलग अलग पॉइंट बोलने होते हैं विद इन द सेम प्रोविजन तो हम वहां पर सबसेक्शन लेके आ जाते हैं जैसे क्लॉज वन आपको क्या करना है टैक्स भरना है क्लॉज टू आपको आएगा कि टैक्स भरने इन इनको जरूरत नहीं है तो ऐसे आपको क्या किया जाता है जब एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग बातें बोलनी हो या एक से ज्यादा बातें बोलनी हो तो वहां पे क्या जाता है सबसेक्शन ठीक है इस सबसेक्शन के अंदर में एक हाथ बात बोल रहे हो तो ठीक है मान लो आप तीन चार बार बोल रहे हो जैसे कंपनी तो कंपनी के अंदर में आपने फर्दर पॉइंट बोले कि भैया इट शुड बी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया इट शुड बी रजिस्टर्ड आफ्टर 2015, इट शुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब उस क्लॉज के अंदर में भी आपको फर्दर पॉइंट करने हैं तो आप क्या लेके आते हो बेटा क्लॉज और फिर क्या आता है सब क्लॉज तो बोलो हाउ टू रीड अ सेक्शन सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज इस तरह से सेक्शन को रीड किया जाता है अब दूसरी चीज होती है इसके अंदर में जब आप एक्ट पढ़ते रहोगे दूसरी चीज आपको मिलेगी प्रोवाइजो कैसे रीड किया जाता है बोले जल्दी से प्रोवाइजो एक्ट में क्या क्या होता है एक्ट में सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज होते हैं जिसके अंदर में आपका लॉ लिखा होता है इसके बाद में यहां पे होता है प्रोवाइजो इट कंटेन्स प्रोवाइजो अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज प्रोवाइजो पूछो ना एक्सेप्शन टू सेक्शन एक्सेप्शन टू सेक्शन वर्ड यूज आर प्रोवाइडेड दैट वॉट इज प्रोवाइजो एक्सेप्शन टू सेक्शन मतलब मान लीजिए मुझे ये कहना है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फॉर्म एओपीबीओ आई इंडिविजुअल एच यू एफ तो हम लिख देंगे द सेक्शन इज एप्लीकेबल टू कंपनी प्रोवाइडेड दैट इट नॉट एप्लीकेबल टू एक्स वाई जेड ए बी सी तो जब भी इनकम टैक्स में किसी भी जगह पे एक्सेप्शन देना होता है वो क्या दे देते हैं प्रोवाइजो और वर्ड कैसे चालू होते हैं बोलो जल्दी से प्रोवाइडेड दैट ये एमसीक्यू में आ सकता है व्हाट इज प्रोवाइजो ये एमसीक्यू में आ सकता है वॉट इज प्रोवाइजो अब तक हम पढ़ रहे थे एक्ट के साथ क्या पढ़ना है अब हम पढ़ रहे एक्ट में क्या पढ़ना है तो एक्ट में सेक्शन रहेंगे एक्ट में एक्सेप्शन भी रहेंगे यस yes. और एक्ट के पीछे क्या रहेगा शेड्यूल एक्ट के पीछे क्या रहेगा शेड्यूल अभी हम थोड़ी देर पहले शेड्यूल और मैंने आपसे कहा था रुक बेटा थोड़ी देर बाद आ रहा है शेड्यूल हैस yes और नो no? अब आओ शेड्यूल पे चलते हैं सर शेड्यूल क्या होता है शेड्यूल एंड अनेक्चर्स तो आप इनकम टैक्स एक्ट देखोगे ना तो उसके पीछे शेड्यूल लिखा है और एनेक्चर्स लिखा है अब ये शेड्यूल क्या करते हैं शेड्यूल आपको अलग अलग चीजों के फॉर्मेट देते हैं जैसे याद होगा तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल थ्री आपको बैलेंस शीट एंड ऑल के फॉर्मेट देता है वैसे इनकम टैक्स में चौदह शेड्यूल है जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट फॉर्म्स एंड अदर चीजें देते हैं यस तो भैया शेड्यूल प्रोवाइड लिस्ट और फॉर्मेट्स एटसेट्रा सर तो एक एक्ट में कितने शेड्यूल हो सकते हैं इसका कोई पैरामीटर नहीं ये लॉ मेकर जाने उसको कितनी चीजें देनी है इनकम टैक्स में कितने हैं फोर्टीन शेड्यूल वाव तो एक्ट में क्या पढ़ना है बोलो जल्दी से तीन चीजें एक्ट के अंदर तो जब भी आप कोई एक्ट उठाओगे जब भी आप कोई एक्ट उठाओगे ये एक्ट में आपको तीन चीजें मिलेंगी पहले क्या मिलेंगे सेक्शंस जहां सेक्शन हो सेक्शन के साथ साथ ही क्या आ जाएगा एक्सेप्शन और उसके पीछे क्या मिलेगा शेड्यूल आपको शेड्यूल और इसलिए भी समझना जरूरी है मान लीजिए आप सीए बन गए ठीक है व्यक्ति आया सर मेरे को पैन कार्ड निकालना है इसको कितनी फीस चार्ज करूं आपके मन में एक सवाल उठेगा ना कितनी फीस चार्ज करूं तो आपके हिसाब से मान लो ये भाई आया मेरे पास ये बोला मेरे को पैन कार्ड निकालना है मैं कितनी फीस चार्ज करूं आपके हिसाब से सर देखो फीस तो आप कितनी भी चार्ज कर दो अपने केस में एमआरपी तो है नहीं तो शक्ल देख के चंदन लगाओ है <laughs> अपने केस में एमआरपी तो है ही नहीं सोनो भाव अपने ज्यादा है पर एमआरपी नहीं है तो सर कैसे पता करेगा मैं समझाता हूं हम कैसे डिसाइड करते हैं रियल लाइफ में कि कितनी फीस लेना है कौन से क्लाइंट से जब आप शेड्यूल है में जाओगे ना पीछे आता है टेबल ऑफ फीस क्या आता है ये टेबल ऑफ फीस वो है जितनी आपको सरकार को देनी है मतलब जैसे अगर पैन कार्ड निकालना है तो एक सौ दस रुपए सरकार को देनेड एंड टेन क्योंकि एक सौ दस रुपए तो ये सीधा सीधा क्लाइंट से कलेक्ट करेगा और उसके भी हाफ पे किसको दे देगा सरकार को दे देगा अब इसकी जो मेहनत है इसका चार्ज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है पर 110 तो इसको सरकार को देने ही है तो इसीलिए हम कैसे पता करते कि हमारा चार्ज कितना हो हम सबसे पहले जाते हैं टेबल ऑफ फीस देखते हैं कि सरकार को इसमें से कितना जाएगा यह हमारे लिए कॉस्ट हो गई यह हमारे लिए क्या हो गई कॉस्ट प्लस हमारी मेहनत अब सामने वाले के साथ रिश्ते संबंध फ्यूचर संबंध ऐसे देख के मान लो तुम्हारे ससुर जी पैन कार्ड निकालने आए फ्यूचर ससुर जी तो सर आप तो घर के आदमी हो आप तो एक सौ दे दो यस मान लो वो ही आई मुझे भी पैन कार्ड निकाल देना छोड़ तेरा तो मैं ही भर देता हूँ तो क्या भरे होटल का बिल नहीं भरा आज तक रहने दे लड़कियां बिल भरती है क्या लड़कियां बिल भरती है भरती है ठीक है इसमें आपने देखा एक भी लड़के ने हाँ नहीं बोला जितनी आवाज आई वो सिर्फ किधर से आई लड़कियां लड़कों से पूछता हूं मैं लड़कियां बिल भरती है क्या Hmm. ये जितो ने नहीं बोला ना ये अखंड सिंगल लोग नहीं है एक्सपीरियंस <laughs> के बोलते चलो तो एक्ट में क्या क्या पढ़ना है बोल जल्दी से अच्छा, एक हाँ, से अच्छा मिनट कैसे डिसाइड करेंगे क्लाइंट फीस कितनी लेना है हम टेबल ऑफ फीस प्लस अपनी मेहनत अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो और उसके बाद में आपने कितने एफर्ट्स डाले कितने मैन आवर्स डाले उस हिसाब से टोटल फीस बनती है पर हमें ये देखना कहाँ होता है बोल जल्दी से शेड्यूल एंड एन एक्स्ट्रा टेबल ऑफ फीस नाम का एक चीज होगा इज दैट क्लियर चलो अगर आप देखेंगे सबसे पहले बुक के अंदर में ही 1860 के अंदर में अच्छा ये जो बुक है इसका पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगा इसके नीचे मिल जाएगा आज ध्यान से सुनना सभी लोग ठीक है हम लोग बाय द एंड ऑफ द डे आपका जब कॉस्टिंग और अकाउंट्स खत्म होगा हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर में आप सब लोग उसके अंदर में लिंक से ज्वाइन करते जाना फटाफट आपको एक लिंक आएगा लिंक से आप फटाफट क्या करते जाना ज्वाइन जितने लोग ऑनलाइन हैं वो भी उस लिंक के साथ ज्वाइन करते जाना हर सब्जेक्ट का पहला पीडीएफ आपको मिल जाएगा दो दिन के बाद हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे तो जिनके एडमिशन एंड ऑल बाकी है वो कंप्लीट कर लेना दो दिन के अंदर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा पूरा का पूरा राइट इसमें इनिशियली पहले दो चैप्टर के पीडीएफ भी हम लोग देंगे जिन जिन लोगों का ऑनलाइन है और जिनके पास बुक नहीं पहुंचा पीडीएफ देंगे तब तक क्या पीडीएफ से कंटिन्यू करना चलो बोलो एक्ट केम इन फोर्स ऑन वन फोर नाइनटीन सिक्सटी चैप्टर्स एंड है सेक्शंस डेक्ट एक्सटेंड टू कितने शेड्यूल है भाई साहब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे सर्कुलर पढ़ने पड़ेंगे क्या मेरे बच्चे को प्रोवाइजो समझता है क्या प्रोवाइजो मतलब वट आर द रूल्स रूल्स आर फॉर इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है कहाँ चल रहे हैं हम हैं एक वर्ड पे वर्ड है एक्ट अब आते हैं और आगे सर अगर ये एक्ट आया है अगर ये एक्ट आया है तो ये कहां से आया है क्योंकि एक्ट का इंडिया में बनने का एक प्रोसेस है आई एम श्योर आज आपने लॉ में पढ़ा होगा सबसे पहले वो क्या रहता है बिल बिल कहां जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड फिर वो क्या बनता है प्रेसिडेंट असेंट और तब जाके वो क्या बनता है एक्ट बराबर ना ये प्रोसेस है बिल्कुल है पर अंडरस्टैंड इनकम टैक्स आया है तो इसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी क्योंकि हमारे देश में कोई भी लॉ जब बनता है वो कहां से बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के अप्रूवल से बनता है कहां से बनता है बोलो जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन के अप्रूवल से बनता है तो आइए अब मैं आपको इनकम टैक्स से निकाल के एक्ट ये जो एक्ट आया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में लेके जाता हूं क्योंकि इमेजिन कीजिए ये जरूरी क्यों है ये हमें पढ़ना जरूरी है पूछो क्यू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ना है पूछो ना क्यू अंडर शुड की है बात किन दिनों की है? दिनों की है बात उन दिनों की है जब ये मेरा भाई समर्थ घर पे सो रहा था समझना सब लोगों ने घर पे सो रहा था इतने में घर की बेल बजी टिंग समर्थ उठा कपड़े पहना नहीं आए I मीन mean, कपड़े उसने पहना ही था पूरे कपड़े पहना और उसने गेट खोला जैसे ही गेट खोला वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पे रेड पड़ी है चलिए सरखे और डिपार्टमेंट वाले डायरेक्ट इसके बेडरूम में और क्या देखा मैं बयान नहीं कर सकता पूरी गद्दी बिखरी पड़ी थी चद्दर में भी सल थे अचानक उनने बेड के नीचे देखा वहां से एक पेटी मिली पेटी खोल के बहुत सारा कैश था इतने में बाजू बाथरूम था वहां से आवाज आ रही थी <laughs> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले गेट बजाया गेट नहीं खुला पर पानी की आवाज थी अंदर चले गए नल खुला था पर कोई था नहीं पर उसी के बाजू एक अलमारी थी अलमारी खोला अंदर से गोल्ड के बिस्किट्स वहां एक व्हाइट कलर का पर्दा भी था एक और अलमारी वहां से प्रॉपर्टी के पेपर बाहर आए हम टीटी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी ने <laughs> तो जो आप ढूंढ रहे हैं ना वो मिलने नहीं वाला <laughs> 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 है ना पर तुम्हारा इमेजिनेशन पावर देखा तुमने जो नहीं था वो भी इमेजिन कर लिया और जिस हालत में नहीं था वो भी इमेजिन कर लिया जब, मैं समझ सकता हूं सर अब जैसे सब गोल्ड कैश आपने रेड मूवी देखी होगी देवंदा बहुत सारा गोल्ड कैश ये वो सब मिल गया अब समर्थ क्या किधर क्या क्या करे जा रहे हो जानते हो कौन हो पता है मेरे बारे में कुछ सर हम इनकम टैक्स अबे चुप किसने पावर दिया तुम्हें मेरे घर में घुसने का दिस इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी सर देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी अब चुप ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है घुसे गए थे तुम लोग हक किसने दिया तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा हक कहां से आया हुटर इन टू माई ये पावर आया तो आया कहां से सवाल तो उठेगा ना ब्रो अगर पावर आया तो आया कहां से सर देखिए हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अरे तुम कोई भी हो बेटा आ तो गए हो बाहर जा नहीं पाओगे समझ में आया ना आ तो गयो बेटा बाहर जा नहीं पाओगे ईमानदारी से बोल रहा हूँ चुपचाप रखो पांच पेटी उठाओ निकलो <laughs> सर देखिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं। चुप। <laughs> इस गांव से 40 किलोमीटर दूर भी जाएगा ना और चार स्टेट भी दूर जाएगा मेरा नाम बताना समझ में आया सर देखिए हम इनकम अवैध चुप अंडरस्टैंड पावर आया है तो पावर कहीं से तो आया होगा ना ब्रो पावर कहां से आया है इसके लिए हमें एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा सर क्योंकि एक्ट अगर कोई भी लागू होता है भारत में तो वो कहां से आता है कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आता है कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265 मैं आप सभी के ध्यान में लाना चाहता हूं चलिए एक बार मेरे साथ आर्टिकल नंबर 265 गिव द नेक्स्ट हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्ट अगर कोई भी चीज बनी है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है क्या इनकम टैक्स जैसी चीज को लॉन्च करने के लिए यह हमें समझना होगा और इसके लिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं आर्टिकल नंबर 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सर हम तो सीए के बच्चे हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो बेटा न्यू पॉलिसी है ना उसमें जो ओपन पेपर है ना उसमें भी अब तुमको कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिफॉल्ट में पढ़ना है समझ आ रही है बात तुमको कॉन्स्टिट्यूशन बाय पता है नहीं पता भाई इंटर क्लियर करने के बाद जो ओपन पेपर है ना उसमें सोशोलॉजी साइकोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन सब आ गया तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा आर्टिकल 265 कहता है साथ में बोलते वक्त पढ़िए नो टैक्सेस आवाज नहीं आई नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ आर्टिकल नंबर 265 भाई साहब एमसीक्यू में आएगा भाई साहब एमसीक्यू में आएगा आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 कहता है नो no टैक्सेस बोलो ना नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ क्लियर है हा नो टैक्सेस कैन बी लेविड और अथॉरिटी बाय लॉ मीनिंग क्या होता है इसका भाई साहब गजब का मीनिंग है समझ लेना आपको याद है मोदी जी एक दिन रात आठ बजे आए थे 2016 में और उन्होंने कहा था भाई और बहनों आज से 500 और हजार के नोट बंद तो चलिए इमेजिन करते हैं आज रात मोदी जी आए और उन्होंने कुछ इस तरह से कहा बताइएगा मेरे प्यारे देशवासियों भारत की अखंडता और अनुच्छता के लिए हमें टैक्सेस बढ़ाने होंगे मेरे प्रिय दोस्तों आज से मैं एक नया टैक्स लागू करता हूं मोदी टैक्स अंडरस्टैंड <laughs> क्या ऐसा किया जा सकता है क्या पहले समझते हैं पांच सौ हजार के नोट बंद करना और एक नया टैक्स ही लगा देना रात बारह बजे आके बाय प्राइम मिनिस्टर इज इट पॉसिबल वेल माय फ्रेंड्स द आंसर इज नो आंसर इज पूछो क्यों आर्टिकल no. 265 ये करने नहीं देगा आर्टिकल 265 कहता है नो no टैक्सेस बोलो कैन बी लेविड लेविड का मतलब है ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है जब तक जब तक कोई अथॉरिटी ना हो और इस पर लॉ ना बना हो मतलब पहले लॉ बनना चाहिए ये लॉ एक अथॉरिटी द्वारा बनना चाहिए तो ही जाके तुम टैक्सेस कलेक्ट कर पाओगे तो ही जाके तुम क्या कलेक्ट कर पाओगे टैक्सेस कलेक्ट कर पाओगे पहले क्या बनाना है लॉ पहले क्या बनना चाहिए लॉ वो लॉ किसके द्वारा बनना चाहिए अथॉरिटी तब जाके तुम या तो लगा पाओगे या तो कलेक्ट कर पाओगे सो नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ तो बताइए मोदी जी रात में आके या केजरीवाल जी रात में आके या प्रेसिडेंट जी आकर के क्या नया टैक्स लगाया जा सकता है नहीं नोटबंदी पॉसिबल है नया टैक्स नहीं लग सकता आर्टिकल 265 ने कहा बेटा अगर टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है तो तुम्हें एक लॉ चाहिए और ये लॉ एक अथॉरिटी पास करेगी है ना तो आप मुझे बताइए अगर आपको याद होगा जब जीएसटी आया 2017 में ऐसा नहीं है जीएसटी डायरेक्टली लगा दिया पहले जीएसटी बिल बनाया उसे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास किया तब जाके क्या बना लॉ सो यू नीड अ लॉ टू कलेक्ट और इंपोज टैक्स यहां लॉ का मतलब है आपको एक पूरा लॉ चाहिए और लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट से आना चाहिए अब दूसरा बात कहता है ये लॉ कौन पास करेगा कोई अथॉरिटी पास करेगी बताइए हु मेक्स लॉ इन इंडिया चलो जोर से बोलो हु मेक्स लॉ इन इंडिया who makes law in india parliament. मेरे सवाल को चौथी बार सुनो फाउंडेशन से जितने जल्दी इंटर में आ जाओगे उतना अच्छा who makes law in india do parliament pass the law or make the law, the law. ये फर्क है फाउंडेशन और इंटर में जितना जल्दी समझो उतना अच्छा मैंने चार बार पूछा जिसका मतलब चार अटेम्प्ट लग जाएंगे समझने में वापस से सवाल पूछ रहा हूं हु मेक्स लॉ इन इंडिया हाँ एनीवन कैन मेक लॉ इन इंडिया वेरी गुड आज से मैं लॉ बना रहा हूं प्रेस्टीज का किंग कौन मैं ठीक आज से लॉ है कोई प्रेस्टीज में कदम नहीं रखेगा जब तक के भाई का परमिशन नहीं होगा प्रेस्टीज से बाहर जाना है भाई का परमिशन चाहिए ठीक है हो पाएगा ट मेक एन ई सेंस नहीं हां जी हु लॉ इन इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द मिनिस्ट्री भाई साहब बैठिए वापस से वही सवाल पूछो सिक्स अटेम्प्टू पार्लियामेंट पास द लॉ और मेक द लॉ में आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं हु मेक्स द लॉ चलिए आइए टू योर सरप्राइज और अपने सभी दोस्तों को बताना क्योंकि अपना लॉजिक mm -hmm. बड़ा क्लियर है पढ़ो तो हद्द कर दो वरना हद्द कर दो द लॉ इज मेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट पास द लॉ बाय वोटिंग लॉ इज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस समझ में आ रही बात स्टॉप स्टॉप ध्यान से सुनना रुको अभी कुछ मत लिखो मैं सब लिखवाऊंगा पूरे बैच में लिखना ही है डी टी के लिए चार सौ पेज का रजिस्टर चाहिए सौ दो सौ में काम नहीं चलने वाला मेरे साइज के जितना बड़ा है चार सौ पेज का रजिस्टर चाहिए डी टी को क्लियर बता रहा हो पहले ही हाँ अगर हमें लॉ बनाना है तो ये लॉ कौन पास करना चाहिए अथॉरिटी अब मन में सवाल उठेगा मन में सवाल उठेगा हु इज अथॉरिटी पूछो ना हु इज अथॉरिटी तो अथॉरिटी में सबसे पहले आर्टिकल 245 लेके आया भाई अथॉरिटी कौन है इन्होंने कहा पार्लियामेंट पार्लियामेंट शेल मेक लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ द कंट्री इसीलिए इसीलिए जब जम्मू कश्मीर का इशू आया वो पार्लियामेंट में गया बिकॉज वो पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए था समझ में आ रही बात और ये लिखा कहां है क्यों मोदी गवर्नमेंट सेंटर में थी अकेले डिसीजन भी ले सकती थी नहीं ले सकती थी आर्टिकल 245 ने कहा होल कंट्री या पार्ट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई मैटर होगा कहां लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में मेक द लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री समझ में आई बात सो so ये जो लॉ है ये लॉ कौन पास करना चाहिए पार्लियामेंट लेकिन लॉ पार्लियामेंट में पास होगा बनाएगा कौन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एम ओ एल जे मेक्स बिल एंड दे आर पासड बाय पार्लियामेंट टू बिकम बोलो एक्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आपका बिल बनाती है तो जो आपने बचपन में पढ़ा था ना बेटा कि पहले बिल होता है बिल लोकसभा और राज्यसभा में जाता है तो पहले यह भी तो सवाल पूछना था फाउंडेशन के टीचर से कि बिल कौन बना रहा है बिल कौन बनाता है आज आपसे कोई चद्दर खींच के रात में पूछेगा भाई बिल तो बन गया क्योंकि लॉ वालों ने पढ़ाया बिल है पर यह भी सवाल आना चाहिए आपको बिल बनाता कौन है बोल मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये बिल बनाती है यह बिल लोकसभा राज्यसभा में जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा में जाता है तब जाकर के ये क्या बनता है बोलो बेटा एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट अब इसमें एक प्रॉब्लम है देखिए श्री बाबा साहेब आंबेडकर जी को क्यों इतना पूजा जाता है उसका एक बहुत जबरदस्त रीजन है दिस मैन वॉज फैंटास्टिक आप सोच के देखिए क्या पार्लियामेंट 12 महीने के लिए फंक्शन करता है इंडिया में <coughs> बताइए क्या पार्लियामेंट 12 महीने के लिए वर्क करता है इंडिया? हां या ना हा या ना पक्की बात अगर आप देखोगे रिसेंट लोकसभा का सेशन खत्म हो गया अब सोचो पार्लियामेंट अगर वर्क नहीं कर रहा क्योंकि आर्टिकल 265 ने बोला जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक तू को टैक्स नहीं लगा पाएगा ठीक है अब पार्लियामेंट हमारे लिए पहली अथॉरिटी बनी कि अगर भारत में लॉ बनाना है भाई और बहनों पार्लियामेंट लेके आएगा फॉर होल और पार्ट अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं और देश को कानून की जरूरत पड़ गई अब क्या ऑर्डिनेंस आता है एब्सुलटली करेक्ट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और देश को जरूरत पड़ गई जैसे मैं आपको बताता हूं टू थाउजेंड नाइनटीन में जब कोविड वाला सिचुएशन आया क्या आया <coughs> हमें कुछ चीजें इमीडिएट करनी पड़ी ऐसे केस में एक और आर्टिकल आया आर्टिकल नंबर 123। इन केस ऑफ रिसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ इन इंडिया थ्रू ऑर्डिनेंस बाबा साहेब आंबेडकर को पता था पार्लियामेंट जो है ये बारह महीने सेशन में नहीं रहेगा पर देश को अर्जेंट किसी कानून की जरूरत पड़ सकती है तो इमरजेंसी के लिए एक और आर्टिकल डाला कि भैया अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट भी क्या कर सकते हैं लॉ बना सकते हैं ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं एंड प्रेसिडेंट द्वारा ये जो ऑर्डिनेंस निकलेगा ये भी क्या कहलाएगा एक्ट ये भी क्या कहलाएगा एक्ट सर कभी ऐसा हुआ है अरे कभी कितने बार 2019, 2020, 2021 तीनों सालों के अंदर में जब देश कोविड से जा रहा था राइट जब सारे मैकेजम बनते पार्लियामेंट वॉज ऑल्सो नॉट फंक्शनिंग तो ऐसे केस में जितने लॉ बने जितने प्रोसेस आया सब प्रेसिडेंट के थ्रू आया नो इंक्लूडिंग इनकम टैक्स भी तो चलिए आइए वापस से चलते टू सिक्सटी फाइव बोलो एक बार सभी लोग रिपीट करो नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय <laughs> यानी जब तक हम ना कोई टैक्स लगा पाएंगे ना कोई टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे जब तक अथॉरिटी ना हो और लॉ पास ना किया हो तो अथॉरिटी मतलब कहा या तो आर्टिकल नंबर 245 या तो आर्टिकल नंबर 123। अथॉरिटी का मतलब समझ में आया मालिक बहुत डीप में है हम लोग बहुत डीप में कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आज तो डेमो लेक्चर था ना आप पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं मैंने समझ मारी बात पर डेप्थ इतना ही रहेगा हर लेक्चर के अंदर में इतने ही शिद्दत से पढ़ना है अंदर तक जाकर के चलो बोलो नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ तो भारत में क्या प्रधानमंत्री अचानक से आके कोई नया टैक्स डिक्लेयर कर सकते क्या नहीं आर्टिकल कौन सा रुकेगा 265. वो कहता है पहले क्या चाहिए टैक्स लगाने के लिए लॉ ये लॉ कहां से पास होके आना चाहिए अथॉरिटी से यस लेविड और कलेक्टेड लेवी का मतलब क्या है इंपोज करना कलेक्ट का मतलब क्या है कलेक्ट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्रिक रिकवरी कलेक्ट का मतलब है कलेक्शन ऑब्लिक रिकवरी रिकवरी को हाईलाइट कीजिए कलेक्शन और रिकवरी कलेक्शन ऑब्लिक रिकवरी कलेक्शन और रिकवरी सर आपने कहा कलेक्ट कर सकते हैं मेरे मन में फिर एक सवाल आया पूछू क्या और डीप में चलते और अंदर चलते एग्जैक्टली exactly कलेक्ट कौन कर रहा है चलिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हाँ जी बीवी ने पैसे नहीं दिए अजूम दिस इज मनी मेरे को टैक्स है कहां पे करूं हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा सॉरी यहां तो पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं है डू वी पे टैक्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वन क्वेश्चन फाउंडेशन से ऊपर उठ जाओ वी डोंट पे टैक्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वी पे टैक्स टू इनकम टैक्स समझ में आ रही है बात यह डिफरेंस है तो फिर टैक्स पे कहाँ होता है टैक्स दो जगह पे होता है एक बैंक के काउंटर पे आपको अगर इनकम टैक्स पे करना है यू नीड टू गो टू बैंक एंड नॉट इनकम टैक्स सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना जैसे आप कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए लेकिन चलान ऑफिस में पे करना पड़ता है ना तो ठीक उसी तरीके से एक चलान भरना पड़ता है चलान के साथ साथ पेमेंट होता है ये हो गया ऑफलाइन मेथड एक होता है ऑनलाइन मेथड जहां पे आप अपना ऑनलाइन जाकर के पेमेंट कर देते हो राइट तो ये हो गया पेमेंट यस yes. ये क्या हो गया बेटा पेमेंट अब ये तो तब की बात हुई जब मैं खुद होके कंप्लायंस कर रहा हूं समर्थ जो था अपना ये तो टैक्स पे कर ही नहीं रहा था कलेक्शन प्यार से दे दोगे कलेक्शन दूसरा वर्ड क्या लिखा है दूसरा वर्ड क्या लिखा है रिकवरी ये तो हम तब की बात कर रहे हैं ना जब खुद होके मैं कंप्लाइंस कर रहा हूं हम तो समर्थ के घर गए थे समर्थ हमसे किस तरह से बात कर रहा था चल बे पावर है क्या अब मैं आपसे पूछता हूं पावर है क्या प्यार से दे रहा है तो नहीं दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार आ रहे समझ में आ रही क्या बात प्यार से दे दिया बेटा कलेक्शन नहीं दिया रिकवरी बेटा प्यार से मान गए तो ठीक है नहीं तो जबरदस्ती ले लेंगे टैक्स प्यार से मान गए ठीक है नहीं तो क्या कर देंगे जबरदस्ती ले लेंगे क्या ले लेंगे भाई साहब टैक्स रिकवरी का भी एक पावर है चलिए और डीप में चलते हैं मैं जो टैक्स पे कर रहा हूं वो जा किसको रहा है सेंटर या स्टेट मतलब ये उद्धव ठाकरे जी के पास नहीं नहीं सॉरी एक नाथ नहीं नहीं सॉरी दादा के पास एग्जैक्टली exactly जाके जो भी कहे सरकार जो भी हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जा रहा है या सेंटर के पास जा रहा है जो मैं टैक्स पे करता हूँ वो किधर जाता है आज रात में पप्पा पूछेंगे ना बेटा आज घर इनकम टैक्स में क्या पढ़ाया तो पहला सवाल ये पूछेंगे पप्पा मैं इनकम टैक्स देता किसको आपको नहीं लगता ये भी समझना जरूरी है भाई टैक्स पड़ रहा है अपन तो एवरेज बच्चे समझना जरूरी है जो मैं दे रहा हूँ वो जा किसके पास रहा है हाँ मोदी जी के पास जाता होगा ये भाई और बहनों मोदी जी के पास जाता होगा नहीं हाँ द मोस्ट हैंडसम बैचलर आफ्टर सलमान खान राहुल जी के पास जाता होगा राहुल जी के पास जाता है टैक्स नहीं नहीं नहीं, नहीं। दिल से नहीं लग रहा है हाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सर बैठे हैं उनके पास जाता होगा ना टैक्स जाता किसके पास है और कलेक्ट कौन करता है सेंटर कर रहा है या स्टेट कर रहा है क्या लगता है दिल क्या कहता है सेंटर या स्टेट yes. सेंटर या स्टेट, yes. स्टेट। yes. पक्की बात yes. कहा लिखा है कहीं तो लिखा होना चाहिए इसलिए आया आर्टिकल नंबर 246 रीड विथ शेड्यूल सेवन इसको रोमन सेवन करो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन पावर इज डिवाइडेड क्या किया गया डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करी बहुत वेल well आर्टिकुलेट किया इसे उन्होंने देखो क्या प्रॉब्लम दिया अगर सारा पावर सेंटर को दे देंगे तो सेंटर में हिटलर राज आ जाएगा सारा पावर स्टेट को दे दिया तो सेंटर की कोई सुनेगा ही नहीं तो उन्होंने किया पावर को डिवाइड और कहा हम कुछ पावर दे रहे हैं किसको? यूनियन लिस्ट बनाई यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट दूसरा बनाया बोलो बेटा स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट और तीसरा बनाया बोलो कॉन्करेंट लिस्ट बोथ तो उन्होंने क्या किया हमारे मन में सवाल उठा कि मैं जो टैक्स दे रहा हूं आखिर वो जा किसको रहा है मेरे से कलेक्ट कौन कर रहा है तो हमें पता चला भाई और बहनों हमें पता चला कि ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है कुछ पावर सेंटर को मिले कुछ पावर स्टेट को मिले और कुछ पावर दोनों ने साथ में रखे अब जो पावर सेंटर के पास है इसे क्या कहा जाता है यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 पे लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर क्या लिखा है बोलो जल्दी से टैक्सेस ऑन income other than on agriculture हां जी तो अब मेरा प्यारा बच्चा बताए आप जो टैक्स दे रहे हैं वो किसको जा रहा है सेंटर स्टेट या बोथ पावर कलेक्ट करने का राइट है सेंटर के पास किसके पास पावर है सेंटर सेंटर कहता है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर तो अब जब हमने घर समर्थ के घर पे रेड मारी समर्थ पूछ रहा है क्या पावर है तुम्हारे पास किस हक से तुम आए हो आप बोलोगे हेलो आर्टिकल नंबर 265, रिकवरी का पावर एंट्री नंबर 82, टू ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 82, टू कलेक्ट टैक्सेज ऑन इनकम सो इनकम टैक्स लगाने का पावर कहां से आया है बोलो जल्दी एंट्री नंबर 82, टू टू लिस्ट? यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर बोल बेटा टू विच लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर से पावर आया है कि आप क्या लगा सकते हो टैक्सेस लगा सकते हो सो वन टू थ्री स्टार्ट हमारा सवाल उठा था ध्यान से सुनिए रिवाइज करा रहा हूं हमने समर्थ के घर पे क्या मारी थी रेड के अंदर में बहुत कुछ मिला समर्थ ने हमसे क्या सवाल पूछा तुम पावर कहाँ से आया मेरे घर में घुसे कैसे हम पावर ढूंढने निकले पावर ढूंढने निकले तो हमने बोला एक्ट कहाँ से आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन से आया होगा चलो कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में गए हमने ढूंढा 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 खोजा तब पता चला आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 265 no. 265 ने कहा नो टैक्सेस टैक्सेज बोला बेटा नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब किसी भी तरीके का टैक्स लगाना है हमें लॉ चाहिए एक अथॉरिटी चाहिए उस लॉ को पास करने के लिए हमने बोला लॉ है हाँ लॉ है इनकम टैक्स एक्ट अब अथॉरिटी कहां से आती है अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी ये लॉ बना सकता है फिर हमने बोला इंपोज करना या फिर कलेक्शन कलेक्शन के साथ एक और वर्ड आई रिकवरी तब हमने समझा रिकवर किया जा सकता है हाँ ये प्यार से मान रहा है तो ठीक है नहीं तो इससे रिकवर कर लेंगे लेकिन ये रिकवरी जाएगी किसके पास सवाल उठा सेंटर के पास या स्टेट के पास तब हमें पता चला पावर डिवाइडेड है और इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है चलिए इसे और तोड़ते हैं वर्ड क्या लिखा है टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर मतलब क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट करने का पावर नहीं है आपने कभी देखा एग्रीकल्चर पर टैक्स लगता है नहीं चलिए अब इसको देखने का नजरिया बदलता हूं एग्रीकल्चर पर टैक्स ही नहीं ले सकते या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती वॉट इज द राइट इंटरप्रिटेशन तुम्हारे हिसाब से टैक्स ही नहीं ले सकते या सेंटर कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स मतलब एग्रीकल्चर पर टैक्स लिया जा सकेगा हाँ या हा सेंटर नॉट टेक इट तो हैज द राइट डिसाइड कि मेरे यहां जो लोग एग्रीकल्चरल खेती कर रहे हैं उन पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर फोर्टी सिक्स टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चरल इनकम सो इट इज द राइट एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लेना है या नहीं ये कौन बताएंगे स्टेट पर कलेक्शन का पावर किसके हाथ में सेंटर तो सर क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता है नहीं एक समय था गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटका ने एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया था पर फिर वोट बैंक और अदर चक्करों में एग्रीकल्चर से टैक्स हटा दिया अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें नो स्टेट और यूनियन टेरिटरी कलेक्ट द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम पर हां पावर है कभी भी ला सकते हैं यस yes. पर लाएंगे कौन कौन बताएगा कलेक्ट करना यानी स्टेट कलेक्शन का पावर तो किसके हाथ में है सेंटर समझ में आ रही बात वाओ. यहां तक के सबको समझ में आया अब आते हैं समर्थ के घर पे वापस समर्थ चिल्ला रहा है क्या हक है कैसे घुसे मेरे घर पे प्लीज इसे रिप्लाई कीजिए इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से आ रहा है आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव एंट्री नंबर एटी टू टू यूनियन लिस्ट तो अब बताइए क्या समर्थ को कोऑपरेट करना पड़ेगा और नहीं किया एक काम करो इसको बाजू करो इसको बाजू करो रिकवरी की भी पावर है बेटा हमारे पास यस सो टैक्सेस so, हम जो पे कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं बेटा सेंटर के पास कलेक्ट सेंटर करता है यस पर अब आप सोच के देखिए क्या ये पूरा पैसा सेंटर रख देता होगा नहीं ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये जितना भी टैक्स ब्रो कलेक्ट हो रहा है क्या ये सिर्फ सेंटर रखता होगा सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ता होगा ना सेंटर को क्या करना पड़ता होगा डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता होगा जी हाँ सेंटर इसे अपने पास नहीं रखता सेंटर इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसी को कहते हैं आर्टिकल नंबर 270, आर्टिकल नंबर 270 को देखिए मेरे साथ ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज स्पेसिफाइड शेल बी लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सारी ड्यूटीज और टैक्सेस कौन लेवी करेगा ब्रो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन अ मैनर प्रिस्क्राइब बाय प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन समझ में आ रही बात तब जाकर के ये मशीन चलती है अब अंडरस्टैंड करना हमारे देश में सेंटर भी पैसा रखता है और ये पैसे को स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है पर कौन सा स्टेट को कितना पैसा देना है ये कौन डिसाइड करता है प्रेसिडेंट या फाइनेंस कमीशन कि किस स्टेट की रिक्वायरमेंट कितनी है और उस स्टेट के हिसाब से उसे पैसे दिए जाते हैं तब जाके तब जाके हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपने अपने स्टेट में मुफ्त की बिजली मुफ्त का पानी मुफ्त का राशन मुफ्त का ये मुफ्त का वो जिसे कहा जाता है मुफ्त की रेवड़ी बांट सकते हैं आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि जो अलग अलग स्टेट में ये जो मुफ्त की रेवड़ी बट रही है ये आ कहां से रही है अब समझ में आया क्या तो अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 500 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दूंगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर पे जा नहीं रही है जा रही है लेकिन इसका पैसा कहां से जा रहा है टैक्स पेयर से एंड तब जाके पार्लियामेंट में सवाल उठता है कि आप टैक्स पेयर का मनी फ्री में बांट रहे हो समझ में आ रही बात तब जाके पार्लियामेंट में सवाल उठता है कि यार तुम टैक्स पेयर का मनी किसको बांट रहे हो फ्री में बांट रहे हो जिसको नहीं जरूरत है उसको भी फ्री में बांट रहे हो क्योंकि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति मान लो एक, एक करोड़पति है बिजली तो उसके भी घर में जा रही है ना उसको तो जरूरत भी नहीं फिर भी उसको मुफ्त में मिल रहा है इस पॉइंट पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं समझ में आई बात सो so, बताओ ये जो टैक्स है इसे क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट चलो अब तक के जितना पड़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं कम ऑन स्पीड अप ठीक है बहुत हो गया आज के लिए बोलो शुरुआत में हम आए थे हमने पहले फालतू की बातें कर ली फालतू की बातों के बाद हमने चालू किया इनकम टैक्स एक्ट 1961, आज का पूरा लेक्चर सिर्फ़ एक ही वर्ड पे गया एक्ट, एक्ट में क्या पढ़ना है, एक्ट में क्या आएगा और एक्ट लागू कहां से हुआ है ये तीन चीजें पढ़ पाए आज हम सर ये सब रेलेवेंट है जो आप इतना पढ़ा रहे हो आइए ये है जो मैंने कहा था ना लेवेंडर है आपका इंस्टीट्यूट द्वारा जनहित में जारी इसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है न्यू सिलेबस आईसीएआई पैटर्न आपको जितना पॉइंट पढ़ा रहा हूं एक भी आपकी बुक के बाहर नहीं है बस समझाना यह चाहता हूं कि जो हम पढ़ेंगे वो एज इट इज मॉड्यूल के थ्रू ही जा रहा है ठीक है ये आपका मॉड्यूल लेवेंडर कलर ठीक है ये बड़ा चेंज हुआ था ना बेटा दो उसमें से पहला ये था ठीक है ये क्या है मतलब आ, सुन लड़कों तो को तो पता ही नहीं होगा लड़कियों ये कौन सा कलर है वैसे ब्लू है लेवेंडर है ब्लू में भी मल्टीपल कलर होते हैं ना ये कौन सा वाला ब्लू है फिफ्टी शेड्स ऑफ ब्लू आइए क्या हमने सबसे पहले टैक्स पढ़ा नहीं अभी तो हम एक्ट में घूम रहे हैं टैक्स तो कल का डिस्कशन है पावर टू लेवी टैक्स ये कुछ समझ आ रहा है आर्टिकल नंबर 246 कुछ यूनियन लिस्ट नाम की चीज स्टेट नाम की लिए कौन करंट यूनियन लिस्ट पावर किसके हाथ में है यूनियन स्टेट लिस्ट बताओ भाई इनकम टैक्स कवर्ड अंडर एंट्री नंबर समझ में आया मॉड्यूल खोलते वैसे मैं आपको बता दू आपका मॉड्यूल का चैप्टर नंबर वन एक पेज का है सिर्फ चैप्टर नंबर वन और ऐसे नौ चैप्टर हैं और ये सब पचास मार्क के लिए है समझ आप समझिए आपका सिलेबस क्यों इतना डीप है चलो आओ ये कहीं पढ़ा सा लग रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये प्लीज बताओ ना क्या ये क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर केस लॉ अभी बजट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे जब हम एक्ट में रहेंगे जब हम टैक्स में रहेंगे तब हम डिस्कस करेंगे उस बारे में फिर आपको एक्ट बताया है कितने सेक्शन है बेटा 298 क्या सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज भी है क्या आप समझ रहा है क्या चल रहा है जीवन में पूरा वही पढ़ा रहा हूँ जो एज इट इज मॉड्यूल में है एक भी पॉइंट वेस्ट नहीं था पूरे लेक्चर का एक मिनट खत्म नहीं हुआ है ये तो आपको नहीं मालूम होगा पता है क्या है क्या है मेरे को नहीं पता एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन का वर्ड आगे आएगा डोंट वरी आएगा सब कुछ क्योंकि मैं इस अजम्शन से पढ़ा रहा हूँ कि तुमको कुछ नहीं आता इसके आगे बढ़े इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है रूल्स क्या होते हैं सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है केस लॉ क्या होता है आज आप मॉड्यूल के दस पेज कंप्लीट करे हो एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो तुम्हारे इसमें नहीं है ये सब है तुमको और इस दस पेज को वेन इट कम्स टू आर नोट्स इस दस पेज को वेन इट कम्स टू आर नोट्स पेज नंबर वन एंड पेज नंबर टू यहां पे खत्म हो गया जितनी जरूरत उतना काम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नो इफ नो बट ओनली कट टू कट है ना? पढ़ना दुनिया भर का है पढ़ना उतना ही ना जितना एग्जाम में लिखने का है तेरे को पढ़ाऊंगा सब लिखाऊंगा उतना जितना एग्जाम में काम का है तो तुम्हारे शॉर्ट नोट साथ, साथ में बनते जाएंगे समझ में आ रही है बात तुम्हारे शॉर्ट नोट एक मिनट रजिस्टर बंद कर दो रिविज़न करना है देखते तुमको सब है हर रोज पहले रिविज़न करना है साथ साथ में मैंडेटरीली ठीक है बुक बंद कर दो कुछ स्पेशल फ़ीचर है जो हर बैच में देता हूँ जिसके कारण तुम्हें हर बच्चे ने रिकमेंड किया उसका रीज़न है हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम ऑडियो रिविजन रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो रिविजन मतलब 10 से 12 मिनट जितने फाउंडेशन के बच्चे उनको ये ऑलरेडी पता है जिनने फाउंडेशन मेरे से पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई बात नहीं कहीं से भी पढ़ के आयो सही पढ़ा है तुमने पास हो गए ना अब भूल जाने का ठीक है ऑडियो रिविजन होगा हम मोबाइल चालू करेंगे मोबाइल चालू चालू करते ही हम पूरा दस से बारह मिनट में वो चैप्टर को रिवाइज कर देंगे रात में सोते वक्त सीधा कान में डालना पूरा बुक रिवाइज हो जाएगा मेरा गारंटी दूसरा हर एक या दो चैप्टर के बाद टेस्ट होने वाला है हर बार होता है इस बार भी होगा ही टेस्ट होगा जितने बच्चे ऑनलाइन है उनका टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा साथ साथ में जब टेस्ट होगा उससे एक या दो दिन बाद हम उसका आंसर राइटिंग डिस्कशन करेंगे राइट तीसरा डी के अंदर में लिखना बहुत होता है मैं बहुत लिखाता हूँ पहले ही बोल रहा हूँ ठीक है क्योंकि साथ साथ में आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए नोट्स तो पढ़ना ही है लेकिन इससे भी शॉर्ट चाहिए एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए क्योंकि क्या होता है सौ बकी और एक लिखी तो आपके पास ये आपका होना चाहिए मेरे हाथ से लिखा हुआ चौथा ठीक है मुझे तीन चीज़ें लगेंगी पहला 400 पेज का रजिस्टर दूसरा मल्टी कलर पेन आप यूज़ कर सकते हो बट आप सभी को बता दो ब्लैक से लिखने की आदत लगा दो क्योंकि एग्जाम ब्लैक से लिखनी होती है आपको ये पता ही नहीं पता है हाँ तो आपके जो पेपर है वो मैंडेटरीली ब्लैक से लिखे जाते हैं तो ब्लैक से ही आपको लिखना है तो ब्लैक एक पेन इंपॉर्टेंट रखो जो अलग पेन होगा वो ब्लू रखना ठीक है तीसरा कैलकुलेटर लगेगा चौथा तुमको मैं इधर एंगेज कर दूंगा तो और कुछ नहीं बुक तुमको कल या परसों से मिलनी शुरू हो जाएगी आज सब एक बार एडमिशन वगैरह सारी चीजें हो जाए उसके बाद हाँ तो चलो रिवाइज करते हैं सबसे पहले हम आए थे चार वर्ड पढ़ने हैं इनकम टैक्स एक्ट आज क्या पढ़ना चालू किया एक्ट पढ़ना चालू किया अब सबसे पहले आओ बेटा रिवाइज हाँ एक्ट इनकम टैक्स आया कहां से था इज द फादर ऑफ इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन पहली बार एक्ट फुल फ्लेजेडली लॉन्च किया गया इन द दर 1922 उसके बाद आजादी मिली आजादी के बाद एक्ट आया 1961 बट रूल्स आए ऐसा ये अब तक नहीं पता ये हम डिस्कस करेंगे ये एक सवाल है जो हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं दूसरा क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है एक्ट पढ़ना है एक्ट, पढ़ना है, एक्ट में कितने सेक्शन है कितने शेड्यूल है फोर्टीन और कितने चैप्टर है इज द एक्ट एप्लीकेबल टू गोल ऑफ इंडिया इंडिया एक्सटेंड अप टू पानी के अंदर पानी के पे आ, पानी के ऊपर 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर क्या लगेगा डी टी डबल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्स वो भी है लागू होगा पर कैसे ये दो कंट्री का म्यूचुअल डिसीजन है ये yes नो no? अच्छा जी इसके बाद आए थे रूल्स पे रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ फिर हमने बात करी किसकी नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज नोटिफिकेशन निकालता कौन है वी आर येट टू डिस्कस इज सीबीडी टी वी आर येट टू डिस्कस इट जितने वर्ड लिख रहे हो सब टूटेंगे टेंशन मत लेना मैंने आपको क्या बोला चार दिन सिर्फ चार वर्ड पढ़ोगे ठीक है 110 पेज का है पहला चैप्टर चार दिन में खत्म करके मेरे को कहीं भागना नहीं है मैं पुणे में ही रहता हूँ ठीक है इज इट ये नोटिफिकेशन मेरे को ढूंढना है कहा मिलेगा इनकम टैक्स इंडिया क्या लैंडिंग पेज पे ही अवेलेबल है यस yes. सारे नोटिफिकेशन एग्जाम से दो दिन पहले नोटिफिकेशन आ गए शिट क्या करूं नहीं ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल तो एग्जाम से छः महीने पहले तक के जितने नोटिफिकेशन है वो सब मेरे काम के हैं यस क्या साथ साथ में सर्कुलर भी पढ़ना पड़ेगा सर्कुलर किस पे लागू होता है डिपार्टमेंट एज अ टैक्स पेयर कैन आई हैव अ डिफरेंट व्यू यस बहुत बढ़िया बेटा सी सर्कुलर कौन निकालता है सी बी डी टी कहाँ मिलेगा वेबसाइट

सेक्शन के अंदर ही अगर एक और बात करना है उसी से रिलेटेड तो क्या ला लेते सब सेक्शन और उसके अंदर के फर्दर पॉइंट्स क्लॉज एंड सब क्लॉज में लेके आते हैं क्लियर है इसके बाद में सेक्शन है तो उसके कुछ एक्सेप्शन भी होंगे तो वो काय में आता है बेटा प्रोवाइजो जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन और सेक्शन पूरे सेक्शन खत्म होने के बाद एक्ट में पीछे क्या मिलेगा शेड्यूल जिसमें फॉर्मेट टेबल ऑफ फीस एक्सेट्रा होगा याद आ रहा है ना टेबल ऑफ फीस हम कैसे पता करेंगे टेबल ऑफ फीस क्या होता है शेड्यूल में जाएंगे टेबल ऑफ फीस देखेंगे प्लस हमारी मेहनत ऐड कर देंगे ये हो गया क्लाइंट के लिए बिलिंग क्लियर है वी आर येट टू डिस्कस डी क्या होता है आई क्या होता है हम टैक्स वर्ड पे गए नहीं हम सिर्फ एक्ट पे घूम रहे ठीक है तो नहीं तो आप बोलोगे सर डी और आई के बीच में डिफरेंस ही नहीं बताया सर पहले बेसिक तो क्लियर कर लो नहीं तो बाद में बी रहेगा फिर हम समर्थ के घर पे गए थे जहाँ वो हाँ है ना बायो की क्लास नहीं है तो हमें सारे आइटम मिले आइटम छोड़ के याद है बताइए ये भाई चिल्लाने लग गया मेरे घर पे कैसे आए हम क्या ढूंढने निकले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में सबसे पहले क्या मिला आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव बोलता है नो टैक्सेस कैन बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ बहुत बढ़िया बेटा तो अगर कोई भी टैक्स लगाना है क्या मोदी जी रात में बारह बजे ला सकते क्या नहीं ला सकते क्या चाहिए उसके लिए लॉ लॉ कौन पास करेगा अथॉरिटी अरे भाई साहब अथॉरिटी मतलब कौन पार्लियामेंट पार्लियामेंट क्या होल ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी लॉ बना सकता है हाँ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो लॉ कौन बनाएगा क्या इनकम टैक्स का भी लॉ प्रेसिडेंट के थ्रू आ सकता है क्या इसके पहले कभी आया है क्या बिल्कुल आया है अच्छा फिर हमने देखा लेवी कर सकते हो लगा सकते हो या कलेक्ट कर सकते हो प्यार से माना तो नहीं तो तो क्या रिकवरी भी हमारा पार्ट है हाँ तो जो मैं टैक्स देता हूं वो जाता किसके पास है भाई साहब सेंटर के पास जाता है क्योंकि इनकम टैक्स कहां लिखा है एंट्री नंबर 82 टू टू यूनियन लिस्ट ये तो वो कहता है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन तो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकते या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकता सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकता इज द राइट इंटरप्रिटेशन ये नो हाँ तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का पावर किसके हाथ में आया स्टेट के हाथ में आ गया एवरीबॉडी पर क्या आज कलेक्ट होता है क्या नहीं।, नहीं ये जो टैक्स सरकार कलेक्ट कर रही है हाँ सेंटर अपने पास रखेगी इसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड डिवाइड कौन divide करेगा? मोदी जी या प्रेसिडेंट मोदी जी को अगर पावर दे देते तो वो सिर्फ बीजेपी वाली स्टेट में जाता बाबा साहेब तेरे हाथ में नहीं दूंगा बेटा प्रेसिडेंट के हाथ में दूंगा वो डिसाइड करेगा क्योंकि प्रेसिडेंट सर जो आते हैं उनका दोनों पार्टी से कोई लेन देन नहीं होता याद आ रहा है जो पक्ष में है वो भी जो विपक्ष में है वो भी इज अ न्यूट्रल पर्सन इसीलिए प्रेसिडेंट सर के हाथ में आया अच्छा जी एक मिनट खत्म नहीं हुआ है तो अब इस बच्चे को हम क्या जवाब दें क्या हमारे पास पावर है एंट्री नंबर टू द यूनियन लिस्ट क्लियर है मालिक क्या आर्टिकल 265 पूरा पढ़ के हो गया क्या नहीं यही तो हमारा वर्ड है टैक्स जिसको हमें कब डिस्कस करना है कल समझ में आ रही बात तो हम उल्टा पढ़े जा रहे हैं कलेक्शन तक के हो गया लेवी तक के हो गया नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे टैक्सेस क्लियर है मालिक यस थैंक यू सो मच आज का लेक्चर यही खत्म हो रहा है बायोचू एनी स्टूडेंट एनी डाउट प्लीज कम दूसरी बात आप सभी को मैं बोल दूं उतना ही मजा आएगा जीएसटी में भी उतना ही मजा आएगा कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स में भी अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं रफली अराउंड अराउंडीन आपका कॉस्टिंग शुरू होगा यहां पे और कॉस्टिंग के बाद इवनिंग में अकाउंट्स होगा मैं आपको कहता हूं बैठ के देखो मजा आ जाएगा स्टॉक मार्केट एंड अदर नॉलेज भी मिलेगा ठीक है जितने लोग जितने लोग बाहर है प्लीज थोड़ा सा साइड मर जाओ एक बार सबको निकल जान दो फिर आप आ जाओ नहीं तो गर्दी हो जाएगी थैंक यू सो मच बाय बोलो बच्चों यस yes. जिसको भी डाउट है प्लीज कम हाँ बेटा ऑर्डिनेंस एक री लॉ होता है जो प्रेसिडेंट पास करते हैं राइट right? ये एक टेम्पररी लॉ होता है फिर जैसे ही पार्लियामेंट वापस सेशन में आता है वो इसको अप्रूव कर देते हैं और वो लॉ बन जाता है हाँ जी मालिक मजा आया कि नहीं आया हाँ कलेक्ट सेंटर ही करेगा एक सवाल एग्रीकल्चर पे जो टैक्स स्टेट लगा रहा है उसको कलेक्ट कौन करेगा कलेक्ट सेंटर ही करेगा और सेंटर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यस yes, जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं मालिक बाय अक्षत श्रावणी अनुराग ऋषभ प्रियांशी सर एंट्री नंबर याद रखना है क्या यस एंट्री नंबर एटी को याद रखना है सर प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें थोड़ी सी जगह जितने लोग गेट में खड़े प्लीज थोड़ा सा आवाज उठ जाओ पहले जाने वाले को जगह दे दो जो लोग यहाँ पे कॉस्टिंग के लिए वापस आने वाले हैं बेटा वापस आ जाना बैग यहीं रहने दो कोई नहीं लेके जाता मजा आया ना भाई एक नंबर तो हाँ भाई अभी मत डिस्कर करेंगे इसको बाद में करेंगे बट मैंने तेरे को समझा दिया दस पेज का दो पेज अब तू समझ ले क्या करना है यस अच्छा जित एक बात आप सभी को बता दूं प्यार से बहुत सारे लोगों को कंजक्टिव आय आ रहा है जिसको भी कंजक्टिव आय आंखें डोले आ रहे हैं ठीक है थीके? जिसको भी आ रहे हैं या थोड़ा सा भी आई में इरिटेशन हो रहा है प्लीज हैव अ ब्लैक गॉगल ये फैलना नहीं चाहिए बच्चा बहुत है लगभग लगभग इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर में हम मोर देन 1200 बच्चे बैठे हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें विशेष ध्यान रखें यस जिन लोगों को ये लग रहा था कि आज होने समझ आएगा कि नहीं समझ में आ गया है कैसे हैंडल होता कंटेंट इतना है कि इधर उधर कहीं नहीं जा सकते मेरे अलावा yes भाई, अरे शानदार जाओ बेटा yes ऑनलाइन हाँ तो उस टाइम पे लोगों ने नील रिटर्न भरा ना मतलब जिनकी इनकम हुई क्योंकि कई लोगों की तो इनकम थी ना बेटा डॉक्टर की तो थी तो इनकम कंप्यूट हुई टैक्स गया बट ये सब ऑनलाइन हो रहा था नहीं नहीं दे रहे थे कम दिया बिल्कुल बुक उस टाइम पे तो, हाँ जी, वो आपको सीखना है अभी पांच हेड में वही आपको सीखना है सर नोट्स लिखना रह गया वेदांत बेटा रोज लिखना ही पड़ेगा नोट्स कोई ऑप्शन नहीं गेट के पास बस थोड़ा सा मैनेज कर लो वहाँ पे खड़े मत रहो जितने लोग वहां पे खड़े रह के बात कर रहे हैं प्लीज हाँ भाई थैंक यू आ जा भाई थैंक यू ऑल द बेस्ट यस yes. जैसे कि हम कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर फ्लाइट पे और वो फ्लाइट किसी कंट्री के ऊपर जा रही है तो वो उस कंट्री के हिसाब से टैक्स लगेगा या फाइनल आएगा no. उसके पहले बहुत कुछ समझना है सेक्शन 9 समझना है अभी लगता है सीए फाइनल फोर्थ चैप्टर सर्च एंड सीजर नैनोमीटर नहीं नॉटिकल माइल्स हाँ। तो यही चीज के लिए डी टी डब्ल्यू बनाया जाता है म्यूचुअल कंसेंट आप रखेंगे रखेंगे हम तो तो या तो तो दोनों दो में आ रहा है तो कुछ इनकम पे आप रख डी टी डब्ल्यू में डिस्कस होता है बेटा टेम्परेरी लॉ अब पार्लियामेंट सेशन में है नहीं तो टेम्पररीली प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस दिस इज टेम्पररी लॉ फिर जैसे ही पार्लियामेंट में सेशन आता है ये यहाँ अप्रूव हो जाता है एंड दैट बिकेम्स परमानेंट लॉ तो दैट्स तो अ तो टेम्पररी तो लॉ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है इसलिए एश्ट्रे। क्या रे हाँ जी एक बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है कि सर टैक्स को इम्पोज करने का पावर डिवाइडेड है बट कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है ना हाँ जी बेटा कलेक्ट सेंट्रल गौर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा बिकॉज इट इज इजी टू कलेक्ट एट वन स्टेप राधर देन टू कलेक्ट इन ट्वेंटी नाइन स्टेट तो कलेक्ट एक जगह हो जाता है बाद में प्रेसिडेंट उनको डिवाइड कर देते हैं सर ऑनलाइन वालों की फीस क्या है मैंने जो सेल्स का नंबर दिया है प्लीज उस पर कॉल करें मेरे को भी मेरा फीस नहीं मालूम हाँ जी भाई साहब मजा आया ना चलो आराम से कहीं नहीं होगा आराम से जाओ आराम से धक्का मुक्के ने कोई मारा पीटी नहीं सबको मिलेगा मौका हाँ कर ले बाद में नहीं मिलने वाला है ईमानदारी से बोलो दो घंटा क्योंकि तू वेस्ट करेगा ना आज भी पढ़ना है और बाद में भी पढ़ना है बट मैं ऑनेट से बोल रहा हूँ कॉस्टिंग कर ले अभी एंड डोंट वरी कल और बेंचेस लग जाएंगे

जो स्पीकर होते हैं वो वोट लेते हैं फिर तो जिसके फेवर में जाता है वो पास होता है एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास नहीं है तो ये स्टेट के पास आया क्योंकि तो ये शुरुआत से ही शुरुआत से ही बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने स्टेट के लोग जो कर रहे हैं उस पर टैक्स कलेक्ट करना है या नहीं करना है ये तो यार चीफ मिनिस्टर का राइट होगा ना अगर कलेक्ट करने का वो बोलते हैं कलेक्ट तो करेंगे

मतलब दो से तीन घंटे